नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों की ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की स्टीरियो केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम लोगों ने मतलब आप लोगों ने अगर जो आप शुरू से लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर इसके ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। और हम लोगों ने शुरुआत में कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि स्ट्रक्चर पे कैसे कैसे डिफरेंस आने से अलग अलग तरीके के आइसोमर्स बनते जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमर्स डिस्कस किए थे, जिसमें कि हमने कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स दो तरीके की क्लासेस में क्लासीफाई किया था। उसके बाद हमने कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स को जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में और ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमने सब डिवाइड किया था, जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी डिटेल में डिस्कस किया था। आप लोगों ने थर्ड लेक्चर में देखा है कि उसमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिस्कस की हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर हम लोगों ने देखा है जहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड सी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या फिर सी डबल बॉन्ड एन, या फिर एन डबल बॉन्ड एन, या फिर कोई साइक्लोएल्केन्स वगैरह मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वहाँ पे जो है हमने ये इस तरीके से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या फिर उसको कहें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखी थी, विच इज़ ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जो कि डबल बॉन्ड के कारण रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाने से वो पैदा हो रही थी। उसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, उसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हमने कहा, सिन और एंटी आइसोमेरिज्म भी हमने उसको कहा, तो उसके लिए भी हमने नोमेनक्लेचर एक सिस्टम देखा था। उसके बाद हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा था, हमने देखा था कैसे कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, हमने देखा था उनके अंदर सिमेट्रिक कार्बन एटम किसे कहते हैं, मतलब उनमें जिनमें 4 अलग अलग डिफरेंट अलग अलग टाइप के ग्रुप्स जुड़े हुए रहते हैं उन्हें एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, और ये एसिमेट्रिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो मैक्सिमम हमने देखे थे वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते थे, जिसमें कि हमने डी फॉर्म जो कि डेक्स्ट्रोमर्स, एल फॉर्म मतलब लिवोमर्स और मीजोमर्स हमने पढ़े थे, मीजोमर्स जिन्हें हमने डी और एल फॉर्म बोला था, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने रेसेमिक मिक्सचर्स हमने देखे थे, रेसेमिक मिक्सचर्स हमने उनको कहा था जहाँ पे डी और एल फॉर्म दोनों को फिजिकली 50-50% जोड़ दिया गया था, जिसके लिए कि कुछ केमिकल रिएक्शंस भी थी, इन्हें रेसेमाइजेशन कहा था, और उनको एक दूसरे से आइसोलेट करने को हमने रेजोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर्स कहा था। तो बच्चों इतनी जानकारी हमने लास्ट टाइम तक डिस्कस कर ली थी। फोर्थ जो हमारा लेक्चर था, इससे प्रीवियस जो बच्चों हमारा लेक्चर था उसमें हमने डी एल नोमेनक्लेचर सिस्टम्स को बहुत अच्छे से समझा था। मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि अराउंड 1900 के अप्रॉक्सीमेट 1900 के आसपास एमली फिशर्स जो थे, एमली फिशर जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स में और अमीनो एसिड्स में काम किया था, एमली फिशर ने एक रिलेटिव नोमेनक्लेचर सिस्टम इसके लिए पुट फॉरवर्ड किया था, जिसे डी एल नोमेनक्लेचर सिस्टम हमने कहा था। और इस डी एल नोमेनक्लेचर सिस्टम में उन्होंने कहा था कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है राइट हैंड साइड होता है, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड होता है, जैसे कि हमने लैक्टिक एसिड का बच्चों एग्जाम्पल देखा था, तो जिसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को राइट हैंड साइड में देखते हैं उसका नाम जो है उसके नाम से पहले उसका जो भी IUPAC नेम है, जैसे इसको लैक्टिक एसिड ट्रेड नेम कहते हैं, हमें पता है लैक्टिक एसिड, तो इसके नाम से पहले जो है डी लगा देते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसका नाम क्या कर देते हैं, एल लगा देते हैं। ये हमने लास्ट टाइम तक बच्चों डिस्कस किया था, और हमने इस डी एल नोमेनक्लेचर सिस्टम को जैसे कि फिशर ने दिया था उसे हमने नाम दिया था रिलेटिव नोमेनक्लेचर सिस्टम। रिलेटिव बच्चों नोमेनक्लेचर सिस्टम इसलिए कहा था क्योंकि हमने एक कोरिलेशन फिट किया, हमने एक एग्जांपल दिया और हमने कहा कि बाकी एग्जांपलों को भी इससे देखते रहना और इस हिसाब से उनका नाम डी एल फिक्स करते रहेंगे, है ना। जैसे मतलब कोई और मॉलिक्यूल आ जाए वो कार्बोहाइड्रेट ना हो, कुछ और तरीके का मॉलिक्यूल हो जैसे लैक्टिक एसिड था, या फिर और भी कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप इस तरीके से अरेंज हो, तो उसका नाम इसके नाम पे बेस रखना है। ये हमने बोला था कि इसके नाम से ही
मतलब मतलब वो लेते हुए, इसका एग्जाम्पल लेते हुए उसके नाम को भी हमने लिख देना है, ठीक है। तो इतनी बात तो हमने डीएल नोमेनक्लेचर सिस्टम से सीखी थी, और डीएल नोमेनक्लेचर ने कहा था कि कहीं कहीं पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना हो, जैसे ये अमीनो एसिड है, मैंने एन एच टू ग्रुप यहाँ पे लगा दिया अगर ओ एच की जगह, तो ये एक अमीनो एसिड बन जाएगा बच्चों। तो इस अमीनो एसिड में अब ओ एच की जगह एन एच टू ग्रुप को ध्यान में देंगे, NH2 ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में है तो इसका नाम अगेन D हो जाएगा, और अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए तो फिर इसका नाम L आ जाएगा। इतनी बात DL नोमेनक्लेचर सिस्टम में शुरुआत में दी। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया कि ये जो रिलेटिव नोमेनक्लेचर सिस्टम था ये शुरुआत में तो बिल्कुल अच्छा चला, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो थे इस कैटेगरी में जो मॉलिक्यूल्स आ रहे थे वो बहुत कम मॉलिक्यूल्स थे, है ना। अब चूंकि बहुत कम मॉलिक्यूल्स थे तो उसमें या तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो रहा था या NH2 ग्रुप हो रहा था, और इन दोनों के कारण हम लोग क्या कर दे रहे थे, इनका नाम लिख पा रहे थे। मगर धीरे धीरे कंपाउंड्स ज्यादा आने लग गए, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर की जगह दो स्टीरियोजेनिक सेंटर, तीन स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आने लग गए, तो वहां पे क्या हो गया, नाम लिखने में बहुत मुश्किल हो गई, जिसका एग्जाम्पल हमने टार्टरिक एसिड के केस में भी देखा था, है ना। टार्टरिक एसिड में भी हमने देखा कि टार्टरिक एसिड जिसका हमने स्ट्रक्चर कुछ यूं बनाया था ना, और हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ये पोजीशन के कारण ये दोनों के दोनों एसिमेट्रिक सेंटर्स में डी और एल नोमेनक्लेचर सिस्टम में अलग हो गया। देखिए अगर हम यहां से आगे बढ़ रहे थे तो हमने दूसरी पोजीशन को डी कहा था और तीसरी पोजीशन को एल कहा था, जबकि अगर हम यहां से देखते हैं तो सेकेंड वाला कार्बन जो है ये एल है और थर्ड वाला कार्बन डी है। ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इस DL nomenclature सिस्टम में, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इसका ये नाम सही माने या फिर इसका ये नाम सही माने। तो ये दोनों की दोनों बातें जो थी, ये जो एग्जांपल है इसकी एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी बच्चों, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और भी बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट थे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि जैसे जैसे एग्जाम्पल बढ़ते गए हमने देखा कि जरूरी नहीं है ये हमारे को, जरूरी नहीं है कि हमारे को OH या NH2 वाले ही कंपाउंड मिले, हमारे को कुछ इस तरीके के भी कंपाउंड मिल सकते हैं, जैसे जैसे ये कंपाउंड हो गया। देखिए ये भी एसिमेट्रिक सेंटर है, इसमें भी जुड़ा हुआ जो चारों के चारों वैलेंसीज हैं वो अलग अलग है, मगर ना तो यहाँ पे OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ, है ना, तो हम यहाँ पे और NH2 है मगर हाइड्रोजन के साथ नहीं है। तो अब ऐसे केस में हम कैसे इसका नाम रिलेटिवली रख लें, ये तो बिल्कुल भी उनसे मैच नहीं करता, उन कन्वेंशनल अमीनो एसिड्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। या फिर मैं चलिए इसको हटा करके एक नाम इसका सी एन एच सी ओ ओ एच और सी एच ओ फॉर एग्जाम्पल हमने ये कंपाउंड बना दिया। सेम प्रॉब्लम देखिए इसके साथ भी है, यहाँ पे भी हमारे पे ना एन एच टू है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स आए और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आने लगे, तो फिर डीएल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो हमारी पुरानी जो पद्धति थी नाम रखने की, वो पद्धति जो है यहाँ पे काम आती हुई नहीं दिखी, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग डीएल नोमेनक्लेचर यूज नहीं कर पाएंगे। और अगेन अगेन अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जहां पे एसिमेट्रिक कार्बन होगा वही ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड देखी, है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जहां पे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने कहा कि जरूरी नहीं है कि एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब ही ऑप्टिकल एक्टिविटी है। हाँ, इस तरीके के ज्यादातर कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, मगर कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन होने के बावजूद भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, या फिर ऐसे भी कंपाउंड है जहां पे कि ये एसिमेट्रिक सेंटर ना हो, जैसे कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी बहुत सारे हो सकते हैं जहां पे कि देखिए इस तरीके का एक अरेंजमेंट हमने इस तरीके का बनाया, और ये नाइट्रोजन जो है ये भी अपने आप में क्या है, एक एसिमेट्रिक सेंटर है। तो अगेन बात यहां पे आ गई कि अगर आप कार्बन को ही मान करके चलोगे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप और NH2 ग्रुप को ही मान के चलोगे, तो आपका जो फॉर्मूला था वो तो केवल कुछ ही एग्जांपल्स तक लिमिटेड हो जा रहा था, ठीक है। अब इस इन सब तरीकों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए साइंटिस्टों ने ये बात तो रियलाइज कर ली कि डीएल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब एक कंप्लीट सॉल्यूशन के बच्चों जरूरत थी, एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था जो ऑलमोस्ट सब तरीके के आइसोमर्स को कंपाउंड्स को जो है डिस्कस कर सकता था, ठीक है ना। तो उस केस के लिए देखिए तकरीबन 1900 में ये डीएल नोमेनक्लेचर सिस्टम फिशर ने प्रपोज किया, ठीक है, 1900 में, मगर 1900 के बाद 20 साल तक ये रूल बिल्कुल चैलेंज नहीं हुआ। ये रूल बिल्कुल ऐसे चलता था कि इसी के हिसाब से नोमेनक्लेचर होता था,
ठीक है ना। मगर आगे आते आते धीरे धीरे जब हम ऊपर आगे बढ़े तो इसके लिए तीन साइंटिस्ट आए हैं। इन तीनों साइंटिस्टों का बच्चों नाम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन इनगोल्ड एंड प्रीलॉग। प्रीलॉग ये देखिए तीन साइंटिस्ट हैं। ये तीन जो साइंटिस्ट हैं, इन तीन साइंटिस्टों ने कैन इनगोल्ड और प्रीलॉग ने मिलकर के तीनों ने ज्वाइंटली इस बात पर डिस्कस करके एक पूरा एक नोमेनक्लेचर सिस्टम मतलब सेट किया। और वो नोमेनक्लेचर सिस्टम जो था वो इस तरीके का रिलेटिव सिस्टम नहीं था, उसमें किसी चीज से रिलेशन नहीं निकाला हुआ था, बल्कि उसमें एक सेट फॉर्मूला बनाया गया था और उस सेट फॉर्मूले को फॉलो करके आप किसी कंपाउंड को नाम दे सकते थे, है ना। तो वो जो सिस्टम था, वो सिस्टम जो था वो एब्सोल्यूट सिस्टम के नाम से जाना गया, एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। और डी और एल नाम की जगह, जैसे कि हमने पहले केस में डी और एल नाम लिखा, इसमें डी और एल नाम की जगह आर एंड एस नोमेनक्लेचर सिस्टम का नाम दिया गया। इसको दिया गया आर एंड एस सिस्टम दिया गया इसको नाम। तो इसको एब्सोल्यूट सिस्टम फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स दे सकते हैं, नाम बोल सकते हैं, या फिर दूसरा नाम इसका बच्चों आर एंड एस नोमेनक्लेचर सिस्टम कह सकते हैं, या फिर एक और प्रचलित नाम है इसका, देखें एक और प्रचलित नाम है इसका सीआईपी, सीआईपी रूल। सीआईपी का मतलब कैन इनगोल्ड और प्रीलॉग, इन तीनों के नाम के ऊपर भी जो है इसको सीआईपी नोमेनक्लेचर सिस्टम भी बच्चों कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर इसको शुरू करने से पहले मुझे एक छोटी सी बात से आप लोगों को डिस्कस कराने दीजिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसकी जरूरत रियलाइज करवाना चाह रहा हूँ। देखिए मैं आप लोगों को इसको मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें ऐसे किसी एब्सोल्यूट सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत कैसे पड़ गई, ठीक है। ये मैंने लास्ट भी कहीं एक लेक्चर में डिस्कस किया है बहुत पार्शियली, थोड़ा सा उसमें एक पोर्शन और है जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए आप, हम किसी कंपाउंड को OH या फिर ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, अभी तक आपने डी और एल नाम दिया था इनको। तो अब इस कंपाउंड को हम लिख ऐसे जरूर रहे बच्चों, मगर जब हम इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे, अब जब डी एल नोमेनक्लेचर सिस्टम में हम लोग देख रहे थे, अक्सर हम लोग कंपाउंड को ऐसे बना दे रहे थे, है ना, और इसको हम डी कह दे रहे थे, हम इसको एल कह दे रहे थे, है ना। इस डी और एल नोमेनक्लेचर सिस्टम में हम लोग एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लेकर के बच्चों आगे बढ़ रहे थे। देखिए ये जो डी और एल नोमेनक्लेचर था, देखिए ये तो रिलेटिव था, इस बात में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मगर दूसरी जो इसमें प्रॉब्लम है, ये कंपाउंड को उस केस में डिस्कस कर रहा है जब कंपाउंड एक प्लेनर है, ठीक है ना। मैं आपके सामने जो कंपाउंड बना रहा हूँ वो एक प्लेनर कंपाउंड है, एक प्लेन में बना रहा हूँ, टू डायमेंशनल प्लेन में बना रहा हूँ, जबकि एक कंपाउंड तो थ्री डायमेंशनल होता है, आपको पता है। एक मॉलिक्यूल ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा जैसे बोर्ड में बना रहे, वो तो ऐसा दिखेगा ना, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होंगी, मतलब वो तीन अलग अलग दिशाओं में फैल सकते हैं। तो जब हमने कंपाउंड का मॉडल ही, ये एक मॉलिक्यूल का मॉडल ही टू डायमेंशनल लिया है और उसका स्ट्रक्चर ही टू डायमेंशनल लिया है, तो यहाँ पे हम ऐसे ही एग्जांपल दे सकते थे, ऐसे ही नोमेनक्लेचर दे सकते थे। तो डीएल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम था वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक था, दुरुस्त था, ठीक है ना। मगर चूंकि मॉलिक्यूल्स इतने सिंपल नहीं होते जितने सिंपल ये बोर्ड में बनाए जा रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे पुट कर रहा हूँ बच्चों, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये ए बी सी डी, इसको हम लोग वेज एंड सेड मॉडल कहते हैं। देखिए इसको वेज एंड शेड, शेड का मतलब होता है ये है शेड, देखिए सी वाला जो है ये शेड है और वेज वाला जो है ये बी वाला है। वेज, वेज का मतलब हो गया ये तो डार्क, ये तो डार्क वैलेंसीज है, और ये जो सी वाली वैलेंसी है ये बिल्कुल लाइट वैलेंसी है, शेड टाइप की वैलेंसी है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दो वैलेंसीज आपको किसी दो प्लेन में दिख रही है, जैसे कि इस पेपर के प्लेन में दिख रही है, तो इनमें ये जो बची हुई दो वैलेंसीज हैं बच्चों बी और सी, इनमें से एक वैलेंसी अबव द प्लेन मतलब टूवर्ड द व्यूअर, देखने वाले की तरफ जैसे आपकी तरफ आ जाएगी, और ये जो सी वाली वैलेंसी है बच्चों ये पीछे की तरफ चली जाएगी, मतलब हिंडर्ड पोजिशन में चली जाएगी। तो मॉलिक्यूल एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ऐसा दिखाई पड़ेगा, थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जैसा कि हम लोग इसको ए बी सी डी बना देते हैं, ये इतना सिंपलर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा अगर इसका एक फॉर्म ऐसी होगी,
तो ऑब्वियसली दूसरी फॉर्म इससे अलग होगी। देखिए दूसरी फॉर्म को देखिए, दूसरी फॉर्म कैसे होगी, दूसरी फॉर्म में ये जो ओके दूसरी फॉर्म में बच्चों, दूसरी फॉर्म का कंस्ट्रक्शन बच्चों जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। देखें और ये उसकी दूसरी फॉर्म होगी, ए डी सी, ए डी बी सी, ये इसकी दूसरी फॉर्म होगी मॉलिक्यूल की, ठीक है ना। कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल का एक आइसोमर का स्ट्रक्चर अगर ये होगा तो दूसरे आइसोमर का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। और अगर अब आप जितनी भी जानकारी अभी तक ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में जानते हैं, अगर आप उनको इसके साथ मैच करने की कोशिश करेंगे तो अब आप देखेंगे कि वो सारी की सारी क्वालिटीज इस मॉडल से बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए पहली क्वालिटी कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। मिरर इमेज कैसे, ये दोनों तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे, ये जो टूवर्ड द व्यूअर था अब ये पीछे की तरफ चले जाएगा, ये पीछे चले जाएगा, ठीक है ना। और ये जो पीछे की तरफ दिख रहा था ये मिरर में आगे की तरफ दिखेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों मॉडल्स एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। ये दोनों जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं इसमें आप देख सकते हैं कि बी वाला ग्रुप जो कि आगे की तरफ है, ये बी वाला ग्रुप बिल्कुल उसके पीछे की तरफ है, ठीक है ना। इसी कारण इसको अगर इसके ऊपर मैं फिट करने की कोशिश करूं तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, क्योंकि ये तो आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ है। तो ये दूसरी क्वालिटी है जो कि इस केस में अगर आप देखो, अगर इस एग्जाम्पल को देखो, इस मॉडल के हिसाब से देखो तो ये कैसे वेरी कर रही है, आप इस वेज और शेड मॉडल से बच्चों बहुत क्लियरली समझ सकते हो। तो ये आर अब इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आने लगी, इस तरीके के जब मॉडल्स की बात करने लगे, ठीक है ना, तो इस तरीके के मॉडल को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे को डीएल नॉर्मल क्लेचर सिस्टम्स को इसमें फिट करना बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। अब हम बिल्कुल भी नहीं समझा पाएंगे कि कौन सा वाला ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है और कौन सा वाला ग्रुप राइट हैंड साइड में। अब मान लेते हैं ये कंपाउंड में एक ग्रुप हाइड्रोक्सिल हो, मान लेते हैं एक ग्रुप इसमें हाइड्रोक्सिल हो, OH हो, और मान लेते हैं दूसरा ग्रुप इसमें H हो। मान लेते हैं ये कंपाउंड बिल्कुल उसी तरीके का सिंपल कंपाउंड है जिसको कि हमने वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में लिया था, ग्लिसरलडिहाइड। मगर अब हम ये नहीं कह सकते कि ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में, ये डी मॉडल है या एल मॉडल है। तो इसलिए कंपाउंड की स्ट्रक्चर में कॉम्प्लिकेशन के कारण जो नई डेफिनेशंस थी अब उनका इंतजार हो रहा था, है ना। अब जो नई बिल्कुल नए कंपाउंड्स को, नए केसेस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए डेफिनेशन थी, उस सॉल्यूशन को देने के लिए जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम या फिर आरएस नॉमेनक्लेचर सिस्टम या फिर मैंने आपको इसका दूसरा नाम क्या बोला, सीआईपी रूल। सीआईपी रूल मतलब कैन इनगोल्ड प्रीलॉक का जो ये सिस्टम था ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। तो मैं आप लोगों को जिस ट्रिक से इसको नॉमेनक्लेचर सिस्टम को सिखाऊंगा बच्चों, उस ट्रिक को सीखने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा समय तक आपको याद रहेगी। तो इसको बिल्कुल एज इट इज याद करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। देखिए कैन इनगोल्ड प्रीलॉग ने कहा कि तीन स्टेप्स फॉलो करें और किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर लें, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, तीन स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या करना है, फर्स्ट केस में क्या करना है, आपने पहले तो कंपाउंड का नाम नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है असाइन प्रायोरिटीज टू द ग्रुप्स। जो भी ग्रुप्स किसी एसिमेट्रिक कार्बन एटम के अराउंड लगे हुए हैं उनको प्रायोरिटीज दीजिए, पहला पॉइंट बताया, ठीक है। कैसे दीजिए वो भी डिस्कस होगा, ठीक है। पहला पॉइंट उन्होंने बोला आपको सबसे पहले इनको प्रायोरिटीज देनी है, ठीक है। इस प्रायोरिटी देने के बाद मान लेते हैं आपने इसको वन, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर कह दिया, या इसको फोर नहीं कहते, इसको फोर और इसको थ्री कह दिया। मान लीजिए आपने प्रायोरिटीज दे दी, कैसे देनी है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वही एक्चुअली मैटर ऑफ डिस्कशन रहेगा हमारा। आपने इनको प्रायोरिटीज दे दी, तो प्रायोरिटीज देने के बाद उन्होंने कहा अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इन ग्रुप्स को प्रायोरिटीज देने के बाद बच्चों, किस ये जो
आपने प्रायोरिटीज दी हुई है ग्रुपों को, इनको ऐसे अरेंज करें कि ये घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में चले जाएं। देखिए अभी तो इसका क्रम देखिए कैसा है, 1 2 4 3, ठीक है ना। इस तरफ से देखेंगे तो 1 3 4 2, ये तो कहीं से भी क्रम में नहीं बैठ रहा, तो आपको इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, ये 1 2 3 4 हो जाए, या फिर ये 1 2 3 4 हो जाए, या फिर 1 2 3 4 कैसे भी हो जाए, मगर एक ऑर्डर फॉलो, ठीक है ना। हमको इसको एक ऑर्डर में लेकर के आना है। दूसरा पॉइंट हमारा बच्चों ये है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, थर्ड जो इसमें एक्सरसाइज आपने करनी है, उसको अरेंज करने के बाद देखना है, उसके अरेंज करने के बाद क्या करना है, उसे देखना है, देखना है कि, देखना है कि ग्रुप्स को इस तरीके से अरेंज करने के बाद हमारी आई किस तरीके से ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। आपको देखना है कि इसको घटते हुए और बढ़ते हुए क्रम में लगाने के बाद हमारी आई किस तरीके से ट्रेवल कर रही है। तो ये दो पॉसिबल केसेस हमने यहाँ पे देखे, या तो ये 1 2 3 4 ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे मतलब ऐसे, है ना, इसको क्या कहा था हमने लास्ट टाइम भी कहा था, क्लॉकवाइज सिस्टम, है ना। या तो फिर ये अरेंजमेंट इस तरीके से सेट होगा कि क्लॉक की तरह, क्लॉक के मूवमेंट की तरह हमारे को दिख रहा होगा, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, या फिर सिस्टम कैसा हो सकता है, 1 2 3 4 देखिए ऐसा हो सकता है, ये ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो तरीके के सिस्टम आपको आखिरी में मिलेंगे अगर आपको कंपाउंड में क्लॉकवाइज सिस्टम मिलता है। ये इसको करस्पॉन्ड कर रहा है बच्चों, ये इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। अगर आपको क्लॉकवाइज तरीके से मूवमेंट मिलता है तो उस कंपाउंड को, उसको कहेंगे आप आर आइसोमर है। अब आप डी फॉर्म नहीं बोलेंगे, एल फॉर्म नहीं बोलेंगे, अब आप कहेंगे ये आर आइसोमर है। और अगर आप देखते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो आप उसका नाम देंगे एस। देखिए ये स्मॉल नहीं है, ये कैपिटल आर और कैपिटल एस है, तो कैपिटल आर और कैपिटल एस से उनके नाम से पहले आप ये लगा देंगे, ठीक है। क्विकली रिवाइज करें, इनको तीन स्टेप फॉलो करने के बाद इनका नाम रखा जाना है। पहले स्टेप में आपको प्रायोरिटीज देनी है ग्रुपों को, ग्रुपों को उनकी प्रायोरिटीज देनी है, ठीक है। दूसरा, प्रायोरिटी देने के बाद उन्हें घटते या बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। और तीसरे केस में उसको देखना है मॉलिक्यूल को कि भाई वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। और इसके बाद अगर क्लॉकवाइज है तो उसका नाम आर और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका नाम एस दे देना है। तो बच्चों ये तो आपको मैंने अभी तक तीन स्टेप्स बताए। अब हमारे दिमाग में जो एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया होगा कि हमारे को प्रायोरिटीज देनी कैसे है, तो ये अगला पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करना है। देखिए मैं यहां से ये रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोगों ने अभी तक लिख दिया होगा अपनी कॉपी में। हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे असाइनिंग प्रायोरिटीज टू द ग्रुप्स। ये जो भी ग्रुप्स है इनको प्रायोरिटीज देनी है, और अगर ये पूछा जाए कि कैसे देनी है तो उन्होंने कहा सीक्वेंस रूल के हिसाब से, ठीक है, सीक्वेंस रूल। तो आप लोगों को एक नया टर्म भी आया है, एक ऐसा रूल है जिसके जिसके ऊपर बेस्ड आपको प्रायोरिटीज डिसाइड करनी, असाइन करनी है। ऐसे पता चलेगा आपको कि कौन सा ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी में है, कौन सा सेकंड प्रायोरिटी में। तो सीक्वेंस रूल एक सेट ऑफ रूल है, छोटे छोटे रूल से बनकर के बना हुआ ये एक सीक्वेंस रूल है, जिसमें कि एक रूल जो है, जो सबसे पहला रूल है, देखिए इसमें चार छोटे छोटे रूल है, इसमें जो सबसे पहला रूल है वो कहता है कि प्रायोरिटी विल बी डिसाइडेड, प्रायोरिटी दी जाएगी पहले एटम के ऊपर, जो भी पहला एटम एसिमेट्रिक सेंटर से जुड़ा होगा उसके ऊपर प्रायोरिटीज दी जाएगी। तो मैं इसको पॉइंट को लिख रहा हूं, आप भी लिखेंगे, ठीक है ना। प्रायोरिटी विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एटम अटैच्ड टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ओके। कैसे दी जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एटम, जो फर्स्ट एटम होगा वो क्या चीज फॉलो करेगा, हायर एटॉमिक नंबर, नंबर हायर एटॉमिक नंबर का जो एटम होगा, जो पहला वाला एटम, ठीक है। इस रूल को देखिए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, मैंने आपके सामने एग्जांपल्स ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए अभी हम फिलहाल
अपने कंपाउंड्स को ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं जैसे टू डायमेंशनल है। बाद में मैं आपको कन्वर्ट करके बता दूंगा कि ये टू डायमेंशनल मॉलिक्यूल थ्री डायमेंशनल में कैसे और उसका नाम आर या एस कैसे पड़ा है। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूँ। देखिए ओ एच एच सी ओ ओ एच और एन एच टू, देखिए ये हमारे पास एक सबसे पहला कैटेगरी है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं एसिमेट्रिक सेंटर से चार वैलेंसीज हैं जो कि डिफरेंट है, मतलब ये एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो खैर हाइड्रोजन ही है इसलिए हाइड्रोजन की बात करेंगे। यहाँ पे पहला एटम ऑक्सीजन है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे दो एटम है मगर पहला एटम जो है वो ऑक्सीजन है। यहाँ पे जो पहला एटम है वो है नाइट्रोजन। ये ऐसे मॉलिक्यूल बना है एन एच टू और इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से जुड़ा है, ध्यान रखें NH2 में N जो है वो इससे जुड़ा हुआ पहला एटम है और यहाँ पे कार्बन है। जैसे कि आप जानते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये यहां से जाकर के इधर भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इन चारों की चारों वैलेंसीज में सबसे पहले क्या चीज चेक करेंगे कि पहला एटम किसमें कौन कौन है और जो सबसे ज्यादा एटमिक नंबर वाला होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे बिना किसी डाउट के। देखिए इन सब में सबसे आखिरी प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, इसको, क्योंकि ये सबसे कम एटॉमिक नंबर का है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर है एक। अच्छा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, अच्छा इसको फोर्थ प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ना, चार ग्रुप है तो फोर्थ प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर है एक। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14 है ना, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 6 है ना, 6, 7 और 8 वो उसका एटॉमिक वेट हो गया। तो इसका 6 जो है ये इससे बड़ा है ये और इससे बड़ा है ये, कहने का मतलब ये सबसे बड़ा है। एटॉमिक नंबर के ऊपर देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला है। इसी तरीके से नाइट्रोजन जो है इसके बाद बड़ा है, कार्बन जो है इन दोनों से मगर इससे बड़ा है, इन दोनों से तो छोटा है मगर इससे बड़ा है। तो इस तरीके से हमारी प्रायोरिटीज दे दी जाएंगी। ठीक है, मैं इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा सिंपलर बना रहा हूं। देखिए अब मैं केवल प्रायोरिटीज को लिख रहा हूं, 1, 4, 2, 3 इस तरीके से मैंने अपने मॉलिक्यूल को जो है ऐसे से ऐसे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, केवल प्रायोरिटीज दी। प्रायोरिटीज कैसे दी, पहले पहले एटम को देखा और जो सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला था उसको मैंने पहली प्रायोरिटी दी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से मैंने चार प्रायोरिटीज देकर दी। बच्चों देखो कंपाउंड को ऐसा लिख दिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल अगर आप खुद से करना चाह रहे हो इसी कैटेगरी में तो आप लोग खुद से भी बच्चों देख सकते हो। देखिए ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने बना रहा हूँ, आप लोग खुद ही पहले इसको अपने से एक्सरसाइज करके देखें। सीएल OH CNBr, देखिए ये एक मीथेन है, इसमें क्लोरो ब्रोमो साइनो हाइड्रोक्सिल ये एक कंपाउंड है। तो इसमें पहला एटम कौन सा, देखिए क्लोरीन तो अपने आप में एक एटम है ना, ये तो पहला इसमें ये है, इसमें पहला ये है और इसमें पहला कार्बन है। ठीक है, तो इनमें से सबसे क्लोरीन ऑक्सीजन कार्बन और ब्रोमीन में से सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका होगा, इनमें से ऑब्वियस सी बात है ब्रोमीन का होगा। ब्रोमीन के बाद ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन, जिसका कि 17 होता है इसका होगा। इसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन को हाईएस्ट, इसके ऊपर हायर प्रायोरिटी मिलेगी और लीस्ट प्रायोरिटी क्या मिलेगी, सीएन को मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे केस कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी ये डीएल नॉमेनक्लेचर जैसा नहीं है कि अगर ये केस आ जाएगा तो हम फिर पूछने जाएंगे कि इसमें क्या करेंगे, है ना। इसमें आपको सिर्फ प्रायोरिटीज देनी है, रूल उन्होंने बता दिया पहले रूल के हिसाब से, जहां पे भी पहला एटम अलग अलग दिखेंगे, अलग अलग एटम के केस में आपको पहला एटम देखना है, उनकी एटमिक नंबर देखनी है और उनको प्रायोरिटी दे देनी। और कंपाउंड को चाहे तो आप थोड़ा सिंपलर रूप में लिख सकते हैं, 3, 2, 1, 4 आप मॉलिक्यूल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं उसके तुरंत बाद, है ना। पहले प्रायोरिटीज देने के बाद आप इसको ऐसे लिख देंगे। मेरे ख्याल से आप इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। सल्फर आएगा कहीं पे तो सल्फर की ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन से ज्यादा प्रायोरिटीज हो जाएंगे आप देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लेंगे। अभी मैं आपको बहुत सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस आखिरी में दूंगा,
उन एक्सरसाइज क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आपको बिल्कुल इसमें एक्सपर्टीज मास्टरी हो जाएगी, आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। बच्चों ये तो मैंने पहला रूल बताया, अभी कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएगा। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर पहला एटम सेम है, ठीक है ना, मैं देखिए एग्जाम्पल बना रहा हूं, CH2OH, HOH, या फिर हाँ या फिर मैं इसको इसको आपको जाना पहचाना से एग्जाम्पल बना देते हैं। ये देखिए अगेन आपका लैक्टिक एसिड आ गया, जिसके आप वेट ही कर रहे थे। ये लैक्टिक एसिड देखिए यहाँ पे आ गया। लैक्टिक एसिड का अगर केस है तो यहाँ पे प्रायोरिटी देने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक पहला एटम इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है पहला एटम। ऑब्वियस सी बात है इन सब में सबसे कम जो है वो तो है हाइड्रोजन, ठीक है, सबसे कम प्रायोरिटी वाला तो है हाइड्रोजन और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है ऑक्सीजन। मगर इन दोनों वैलेंसीज में पहले पहला एटम जो है दोनों के केस में कार्बन है, है ना। तो यहाँ पे अब आपको प्रायोरिटी के लिए जो पहले रूल ने जो बोला था उसके हिसाब से तो आपके इन दोनों को ही फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, मतलब सेकंड प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, जबकि हमें इनमें से एक सेकंड प्रायोरिटी वाला ढूंढना है, एक थर्ड प्रायोरिटी वाला ढूंढना है, ठीक है ना। तो इस केस के लिए रूल नंबर टू इन्होंने कहा कि इफ फर्स्ट एटम इज सेम, अगर पहला एटम सेम है किसी दो वैलेंसी में या सारी वैलेंसीज में भी पहला एटम सेम है, लुक फॉर सेकंड एटम, सेकंड एटम। अगर आपका पहला एटम सेम है तो दूसरे एटम को ढूंढो, और अगर दूसरा भी सेम है तो फिर तीसरे को ढूंढो। मतलब आपको तब तक आगे बढ़ते जाना है सीरीज में जब तक कि वहां पे कोई डिफरेंस ना आ जाए, ठीक है ना। दो वैलेंसीज में तब तक आगे की तरफ मूव करते रहना है आपको डिफरेंस ढूंढने के लिए, जब तक कि आपको डिफरेंस पकड़ में नहीं आ जाता, ठीक है। तो सेकंड एटम की तरफ एंड सो ऑन, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आगे चेन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसको एग्जांपल से डिस्कस करें, फर्स्ट और फोर्थ प्रायोरिटीज दे दी जा चुकी है, सेकेंड और थर्ड प्रायोरिटी के लिए इन दोनों के बीच में मुकाबला है, ठीक है ना। इस मुकाबले में बच्चों क्या करना है, इस मुकाबले में पहला एटम तो दोनों का एक जैसा है, पहले वाले केस तो दोनों के बराबर बराबर है, मगर इसमें दूसरा एटम क्या है, हाइड्रोजन है, और इसमें दूसरा एटम क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की एटमिक नंबर ज्यादा है, कहने का मतलब इसको तो देखिए यहीं पे पकड़ में आ गया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो हमने यहीं पे पकड़ लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे को, ठीक है। अब चाहो तो आप इसका सिंपलर मॉलिक्यूल बना दो, इन सब चीजों को हटा दो यहाँ से, इन सब चीजों को यहाँ से हटा दो बच्चों, और आप इसको सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दोगे SH मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तो एक अगला एग्जांपल हो गया, चलिए इसका एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं, इसका डिग्री का, ताकि आपको बिल्कुल ही कंफर्म हो जाए, हर पॉइंट कंफर्म हो जाए इसमें। इन OH और H को तो यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिया हमने CH3 और यहाँ पे लिया है हमने COH की जगह CH2OH, देखिए, ठीक है। अगेन प्रायोरिटी देते समय ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगी, जैसे कि लास्ट केस में था। अब यहाँ पे पहला एटम, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, दोनों चीजें एक बराबर। यहाँ पे दूसरा एटम हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दूसरा एटम हाइड्रोजन, यहाँ पे तीसरा एटम हाइड्रोजन, यहाँ भी तीसरा एटम हाइड्रोजन, मगर यहाँ पे चौथा एटम भी हाइड्रोजन और यहाँ पे चौथा एटम ऑक्सीजन। देखिए COHH यहां पे देखिए, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं, ये देखिए यहां पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा बच्चों। ये पॉइंट देखो, पहले एटम तक तो हमने पकड़ लिया था, पहला एटम सेम, इसमें भी सेम, दूसरा भी सेम, इसमें भी सेम, तीसरा भी सेम, यहां भी सेम, चौथा एटम यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे ऑक्सीजन, जबकि इसके बाद हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो तो इसके बाद लगा हुआ है, मगर आपको चौथा एटम अगर जब देखना है तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस आपका आ गया। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि जो चौथा एटम आपने पकड़ा है वो इसमें जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, तो इसको दूसरा नंबर देंगे और इसको तीसरा नंबर देंगे। तो देखिए आपका मॉलिक्यूल जो है इतना कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल था, नाम रखते समय आपका जो है बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। आप इन सब चीजों को यहाँ से हटाएं और जो है इसका नाम जो है इस फैशन में ध्यान रखें। अब ये मॉलिक्यूल इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये तो मतलब काफी सिंपल होता जा रहा है, आप देख रहे हो। आपको अगर रूल पता है तो आप इनको किसी भी तरीके के एग्जांपल पर सेट कर पा रहे हो। तो ये तो दो रूल अभी तक आए, ठीक है। अब तीसरे रूल को बच्चों देखो,
ये देखिए तीसरा रूल क्या है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स जो दे रहा हूँ, देखिए इसमें बहुत कम कॉम्प्लिकेशन डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों का फोकस उस पॉइंट में हो जो पॉइंट हम लोग समझा रहे हैं। हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन दोनों मैंने कॉमन ही रखे हैं। यहाँ पे मैंने CH2OH जो लास्ट एग्जाम्पल पे लगाया था, चलिए हमने उसको भी सेम रख दिया, और यहाँ वाले एग्जाम्पल में हमने CHO डाल दिया। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में प्रायोरिटी कैसे देंगे, फोर्थ प्रायोरिटी इसको, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, अभी सेकेंड और थर्ड प्रायोरिटी ध्यान में रखनी है, किसको दी जाएगी। देखिए पहला एटम सेम, दूसरा एटम सेम, तीसरा एटम, इसमें भी ऑक्सीजन और इसमें भी ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ तो तीनों के तीनों एटम सेम उतर गए। यहाँ पे तो प्रायोरिटीज डिसाइड करने के लिए ऊपर के जो दो रूल थे वो काम नहीं आए, है ना। इसका मतलब अब यहाँ पे एक नेस्ट ट्रिक यूज करनी है हमें, ठीक है ना। नेस्ट ट्रिक कैसे यूज करनी है बच्चों, इसमें जो CH2OH है देखिए उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और इस CHO को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये CHO को लिखने का तरीका है एल्डिहाइड ग्रुप को, और ये इस अल्कोहल को लिखने का तरीका है, तो ये इनको लिखने का तरीका है। अच्छा, इसमें पहला एटम कार्बन था, इसमें भी कार्बन था, ये तो बात डन हो गई थी। इसमें दूसरा एटम हाइड्रोजन था, इसमें भी दूसरा एटम हाइड्रोजन था, ये भी बात डन हो गई। इसमें जो तीसरा एटम है उसको हम ऑक्सीजन अगर कह रहे हैं तो यहाँ पे भी तीसरा एटम ऑक्सीजन है, मगर अब इसमें चौथा एटम कौन है, है ना, ये अलग केस हो गया, ये पिछले दो केसेस से बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गए। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में उन्होंने जो आंसर दिया, देखिए उसको, कि एक डबल बॉन्ड ऐसे ट्रीट होगा कि वो दो बार बंधा हुआ है, ठीक है। अ डबल बॉन्ड विल बी ट्रीटेड लाइक देयर आर टू बॉन्ड्स, मतलब ये एक डबल बॉन्ड ना होकर के ये दो बॉन्ड के बराबर है, ठीक है। तो अब अगर आपका तीसरा एटम सेम हो भी जाता है तो चौथा एटम इसमें ऑक्सीजन और चौथा एटम इसमें हाइड्रोजन आ गया, जो कि ये छोटा नंबर आ गया, ठीक है, ये ग्रुप छोटा आ गया, और इस ग्रुप के कारण इसको प्रायोरिटी मिल गई, तो ये प्रायोरिटी जो है दूसरा नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसकी प्रायोरिटी बच्चों क्या हो जाएगी, सेकंड नंबर की हो जाएगी, और इसकी प्रायोरिटी थर्ड नंबर की हो जाएगी। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स को आप ऐसे केस में जहां पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहां पे आप कंपाउंड को प्रायोरिटीज जो होगी ऐसे देंगे, ठीक है। इस ग्रुप को भी मैं बहुत जल्दी से लिख पा रहा हूँ, इस केस को भी मैं जल्दी से लिख पा रहा हूँ। ये थर्ड नंबर का रूल आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल को आप लोग उतार लें, अगला एग्जाम्पल लिखवा देंगे इसके बाद। इसमें क्या कहा उन्होंने, If there is double or triple bond, it will be treated like two or three single bonds. ये बच्चों इसका समरी हो गई। ये जो मैंने आपको रूल नंबर थर्ड बताया, इस रूल नंबर थर्ड की समरी ये हो गई, ठीक है ना। मैं इसी चीज को नेक्स्ट एग्जांपल से करवा रहा हूँ, हर एंगल से करवा रहा हूँ, सो दैट कि कैसे भी एग्जांपल आपके पास आएंगे आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए ये अगला एग्जांपल आ गया, मैंने फिर वहीं पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम रख दिया, हाइड्रोजन सेम रख दिया, यहाँ पे CN और यहाँ पे CH2NH2 ये एग्जांपल मैंने लगा दिया, ठीक है। इसमें हम लोग जानते हैं कार्बन से ऊपर हाइड्रोजन है और कार्बन से ऊपर ऑक्सीजन है और कार्बन से नीचे हाइड्रोजन है, तो इनकी प्रायोरिटीज जो होगी, इनकी प्रायोरिटीज 1 और 4 जो है हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली हर केस में देते आ रहे हैं, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। इन दोनों में जब प्रायोरिटीज देनी है तो ये कार्बन जो है पहला एटम दोनों में सेम है, और अगर हम दूसरे एटम की तरफ जाएं तो यहाँ पे हम कहेंगे जी हमारा तो दूसरा एटम क्या है, नाइट्रोजन, जबकि यहाँ पे भी दूसरा एटम नाइट्रोजन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन भी है बोल दो, मगर नाइट्रोजन भी दूसरा ही एटम है। देखिए मैं इसको खोल के बता रहा हूं आपको, CN और ये H2 ऐसे आ जाएगा, है ना, ये ग्रुप जो है ऐसे हो गया, जबकि ये वाला ग्रुप क्या हो गया, ये ऐसे हो गया साइलेंट। अब इसमें दूसरा एटम तक सेम था, मगर तीसरा एटम इसमें नाइट्रोजन है,
है ना, दूसरा एटम सॉरी इसमें नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी दूसरा एटम नाइट्रोजन है, ये दूसरा ही तो है, तो यहाँ पे मगर तीसरा एटम जो है वो भी नाइट्रोजन है। इसके केस में दूसरा तीसरा और चौथा, दूसरे तीसरे और चौथे नंबर के एटम जो है वो नाइट्रोजन है, जबकि इसमें दूसरा अगर नाइट्रोजन है तो तीसरा हाइड्रोजन है और चौथा भी हाइड्रोजन है, तो इन केसेस में प्रायोरिटी इसको चली जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे प्रायोरिटी जो जाएगी इसको मिल जाएगी। तो अगेन जब हम इसका नाम रखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड प्रायोरिटी इसको दे देंगे, तो थर्ड प्रायोरिटी बच्चों हम इसको दे देंगे, और ये कंपाउंड हो जाएगा इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कंपाउंड जो है इस तरीके से उसका नाम इस फैशन में हम उसको अरेंज कर पाएंगे, लिख पाएंगे, ठीक है। ये तीन रूल जो है मैक्सिमम बुक्स में ये तीन ही रूल मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो फोर्थ रूल है वो केस वाइज डेवलप होता है, वो मैं आगे आपको जब एग्जांपल दूंगा उसके ऊपर करवाऊंगा, मैं यहाँ पे आपको फोर्थ रूल रोक करके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको आपको एग्जांपल से समझा सकूंगा, ठीक है। आपको जहाँ पे भी बुक्स में मिलेंगे, कहीं पे भी बुक रेफर करेंगे, केवल ये तीन स्टैंडर्ड रूल्स मिलेंगे, क्योंकि चौथा रूल जो है जब केस आएगा तभी समझ में आता है, ठीक है। तो इसको करने के बाद ओके, अब तक आप लोगों ने सीक्वेंस रूल के अंदर प्रायोरिटीज देना सीखा, आपको पता चला कैसे ग्रुप्स को प्रायोरिटीज दी जाती है। अब एक बार अगर आप प्रायोरिटी दे दो, ठीक है, आप एक बार प्रायोरिटी दे दो इन तीनों रूल से, तो आपका स्टेप नंबर वन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, आपने प्रायोरिटी देना सीख लिया। अब प्रायोरिटी देने के बाद स्टेप नंबर सेकंड क्या था, सेकंड स्टेप क्या था हमारे बच्चों, इसको अरेंज, क्या लिखा था, अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब आपको इनको अरेंज करना है, देखिए मेरी प्रायोरिटी देने के बाद ग्रुप क्या आया, 2 3 1 4, हो सकता है वो ऐसा आया हो, 1 2 4 3, कुछ भी आ सकता है ना, प्रायोरिटीज देने के बाद, तो वो तो आप अपनी मर्जी से तो दे नहीं रहे, वो तो जैसा जैसा रूल बताता जा रहा है वैसे वैसे प्रायोरिटीज दी जा रही है ना। तो प्रायोरिटीज देने के बाद अब आपको जो सेकंड काम करना है, इनको घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो देखिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने करके बता रहा हूँ, फिर आपको इसको खुद से अरेंज करना है। यहाँ पे जब आपके पास ऐसे में कंपाउंड कन्वर्ट हो जाए, जब आपका कंपाउंड ऐसे में कन्वर्ट हो जाए, तो जो पहली बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है, ये एक ऐसी ट्रिक्स है जो कि बुक्स में नहीं रहती, ये आप लोगों को ईजी सिंपल तरीके से सीखने के लिए डेवलप की गई है, हमारी लैब में डेवलप की गई है, तो मैं इसको आपको बताता हूँ। आपको फोर्थ वाली वैलेंसी को नीचे लेके आना है हमेशा, आपको फोर्थ वाली वैलेंसी को हमेशा नीचे लेकर के आना है, ठीक है, और उसकी जगह कौन चले जाएगा, अगर फोर्थ वाला एक की जगह आया तो एक कहाँ चले जाएगा, फोर्थ वाले की जगह आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सिंपल करने का तरीका है, ठीक है, फोर्थ वाला नीचे आ गया और वन जो है फोर की जगह चले गया, मगर इससे मॉलिक्यूल आधा घूमा है, ठीक है, इससे मॉलिक्यूल बच्चों आधा घूमा है, अगर आधा मॉलिक्यूल घूमा तो उसकी तो ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, इसलिए मॉलिक्यूल को आधा और घुमाना है, ठीक है, थर्ड को सेकंड की जगह और सेकंड को थर्ड की जगह, मतलब मॉलिक्यूल को पूरा रोटेशन कर दिया तो सेम मॉलिक्यूल वापस आपके हाथ में आ गया। देखिए ये मॉलिक्यूल जो है आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये तो आधा मॉलिक्यूल चेंज हो गया, ठीक है ना, मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया, मतलब ये तो अगर डी फॉर्म थी तो ये एल फॉर्म हो गई, आर फॉर्म थी तो एस फॉर्म हो गई, मगर आप टोटल ही मॉलिक्यूल को चेंज कर दोगे, कहने का मतलब इसको ऐसे घुमा करके पूरा एक चक्कर घुमा दोगे, तो तब जाकर के आपका मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये दोनों की दोनों फॉर्म जो है एक ही बात के लिए, बिल्कुल एक ही बात है, ये दोनों की दोनों चीजें एक ही बात है। अगर मैं केवल एक ही तरफ ग्रुप को चेंज करूंगा तो तब ये आधा चेंज होगा, मैंने दोनों तरफ ग्रुप को चेंज करके पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को चेंज कर लिया, तो आपका ये जो मॉलिक्यूल है ये अब ये बन जाएगा, ठीक है। और अब इसके बाद आप इस फोर्थ ग्रुप को छोड़ देंगे, फोर्थ ग्रुप को ध्यान में नहीं रखेंगे, फोर्थ ग्रुप का सिर्फ एक ही रोल था कि उसको सबसे नीचे लेके आना था, आपने नीचे ला दिया, अब उसको भूल जाओ, फोर्थ ग्रुप का है वो चले गया। सोचो कि ये आपकी कार की एक स्टीयरिंग है, सोचो कि आपकी एक कार की स्टेयरिंग है जिसका जो फोर्थ ग्रुप है वो नीचे का डंडा है जिसमें वो टिकी हुई है ना, तो वो फोर्थ ग्रुप को तो अब आप भूल जाओ। अब जो बचे हैं आपके तीन ग्रुप बचे हैं, फोर्थ ग्रुप अगर चले गया तो तीन ग्रुप कौन से बचे हैं, 1 3 मान लो ये है, 2 ये है ना। अब आप देखो कि आप किस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं आपके आई, देखिए हम कैसे देखेंगे, 1 से 2 2 से 3 3 से 1 1 2 3, क्या कहा, ऐसे ऐसे, कैसे ऐसे है ना। तो थर्ड जो स्टेप है बच्चों उसको भी साथ साथ लिख देता हूँ मैं, अरेंजमेंट के तुरंत बाद लिख देता हूँ। आपने व्यू किया, व्यू मतलब आपने देखा,
और देख के आपने पाया कि आपकी जो आंखें ट्रेवल कर रही हैं वो एंटी क्लॉक वाइज कर रही हैं, तो जहां एंटी क्लॉक वाइज वहां क्या एस, वहां क्या है कंपाउंड का नाम एस। अब इसका जो भी नाम था, इसके जो भी आईयूपीएससी नाम था, आपने उस आईयूपीएससी नेम से पहले एस लगा दिया, ठीक है, एस लगा दिया तो वो कंपाउंड इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों इस तरीके से बहुत सिंपल तरीका मैंने आप लोगों को डेवलप किया, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स इसके साथ और करवाऊंगा, एक दो केसेस स्पेशल टाइप के भी कराऊंगा, सो दैट कि आपको तकरीबन सारे केसेस समझ में आ गए, आप आर और एस नॉमिनेटिव सिस्टम को बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों की ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की स्टीरियो केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम लोगों ने, मतलब आप लोगों ने अगर जो आप शुरू से लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर इसके ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, और हम लोगों ने शुरुआत में कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े थे जिसमें हमने देखा था कि स्ट्रक्चर पर कैसे कैसे डिफरेंस आने से अलग अलग तरीके के आइसोमर्स बनते जा रहे हैं, और उसके बाद हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमर्स डिस्कस किए थे जिसमें कि हमने कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स दो तरीके की क्लासेस में क्लासिफाई किया था। उसके बाद हमने कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स को जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में और ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमने सब डिवाइड किया था, जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी डिटेल में डिस्कस किया था, आप लोगों ने थर्ड लेक्चर में देखा है कि उसमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिस्कस की हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर हम लोगों ने देखा है जहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड सी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या फिर सी डबल बॉन्ड एन, या फिर एन डबल बॉन्ड एन, या फिर कोई साइक्लोएल्केन्स वगैरह मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वहाँ पे जो है हमने ये इस तरीके से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या फिर उसको कहें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखी थी, विच इज़ ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जो कि डबल बॉन्ड के कारण रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाने से वो पैदा हो रही थी। उसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, उसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हमने कहा, सिन और एंटी आइसोमेरिज्म भी हमने उसको कहा, तो उसके लिए भी हमने नोमेनक्लेचर की सिस्टम देखा था। उसके बाद हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा था, हमने देखा था कैसे कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, हमने देखा था उनके अंदर सिमेट्रिक कार्बन एटम किसे कहते हैं, मतलब उनमें जिनमें 4 अलग अलग डिफरेंट अलग अलग टाइप के ग्रुप्स जुड़े हुए रहते हैं उन्हें एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, और ये एसिमेट्रिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो मैक्सिमम हमने देखे थे वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते थे, जिसमें कि हमने डी फॉर्म जो कि डेक्स्ट्रोमर्स, एल फॉर्म मतलब लिवोमर्स, और मीजोमर्स हमने पढ़े थे, मीजोमर्स जिन्हें हमने डी और एल फॉर्म बोला था, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने रेसेमिक मिक्सचर्स हमने देखे थे, रेसेमिक मिक्सचर्स हमने उनको कहा था जहाँ पे डी और एल फॉर्म दोनों को फिजिकली 50-50% जोड़ दिया गया था, जिसके लिए कि कुछ केमिकल रिएक्शंस भी थी, इन्हें रेसेमाइजेशन कहा था, और उनको एक दूसरे से आइसोलेट करने को हमने रेजोल्यूशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर्स कहा था। तो बच्चों इतनी जानकारी हमने लास्ट टाइम तक डिस्कस कर ली थी। फोर्थ जो हमारा लेक्चर था, इससे प्रीवियस जो बच्चों हमारा लेक्चर था उसमें हमने डी एल नोमेनक्लेचर सिस्टम्स को बहुत अच्छे से समझा था, मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि अराउंड 1900 के अप्रॉक्सीमेट, 1900 के आसपास एमली फिशर्स जो थे, एमली फिशर जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स में और अमीनो एसिड्स में काम किया था, एमली फिशर ने एक रिलेटिव नोमेनक्लेचर सिस्टम इसके लिए पुट फॉरवर्ड किया था जिसे डी एल नोमेनक्लेचर सिस्टम हमने कहा था, और इस डी एल नोमेनक्लेचर सिस्टम में उन्होंने कहा था कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है राइट हैंड साइड होता है, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड होता है, जैसे कि हमने लैक्टिक एसिड का बच्चों एग्जाम्पल देखा था, तो जिसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को राइट हैंड साइड में देखते हैं, उसका नाम जो है उसके नाम से पहले उसका जो भी आईयूपीएससी नेम है, जैसे इसको लैक्टिक एसिड ट्रेड नेम कहते हैं, हमें पता है लैक्टिक एसिड, तो इसके नाम से पहले जो है डी लगा देते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसका नाम क्या कर देते हैं, एल लगा देते हैं। ये हमने लास्ट टाइम तक बच्चों डिस्कस किया था, और हमने इस डी एल नोमेनक्लेचर सिस्टम को जैसे कि फिशर ने दिया था उसे हमने नाम दिया था रिलेटिव नोमेनक्लेचर सिस्टम। रिलेटिव बच्चों नोमेनक्लेचर सिस्टम इसलिए कहा था क्योंकि हमने एक कोरिलेशन फिट किया, हमने एक एग्जांपल दिया और हमने कहा कि बाकी एग्जांपलों को भी इससे देखते रहना और इस हिसाब से उनका नाम डी एल फिक्स करते रहेंगे, है ना। जैसे मतलब कोई और मॉलिक्यूल आ जाए वो कार्बोहाइड्रेट ना हो, कुछ और तरीके का मॉलिक्यूल हो जैसे लैक्टिक एसिड था, या फिर और भी कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप इस तरीके से अरेंज हो, तो उसका नाम इसके नाम पे बेस रखना है। ये हमने बोला था कि इसके नाम से ही
मतलब वो लेते हुए, इसका एग्जाम्पल लेते हुए उसके नाम को भी हमने लिख देना है, ठीक है। तो इतनी बात तो हमने डीएल नोमेनक्लेचर सिस्टम से सीखी थी, और डीएल नोमेनक्लेचर ने कहा था कि कहीं कहीं पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना हो, जैसे ये अमीनो एसिड है, मैंने एनएच टू ग्रुप यहाँ पे लगा दिया अगर OH की जगह, तो ये एक अमीनो एसिड बन जाएगा बच्चों। तो इस अमीनो एसिड में अब OH की जगह एनएच टू ग्रुप को ध्यान में देंगे, NH2 ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में है तो इसका नाम अगेन D हो जाएगा, और अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए तो फिर इसका नाम L आ जाएगा। इतनी बात DL नोमेनक्लेचर सिस्टम ने शुरुआत में दी। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया कि ये जो रिलेटिव नोमेनक्लेचर सिस्टम था ये शुरुआत में तो बिल्कुल अच्छा चला, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो थे इस कैटेगरी में जो मॉलिक्यूल्स आ रहे थे वो बहुत कम मॉलिक्यूल्स थे, है ना। अब चूंकि बहुत कम मॉलिक्यूल्स थे तो उसमें या तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो रहा था या NH2 ग्रुप हो रहा था, और इन दोनों के कारण हम लोग क्या कर दे रहे थे, इनका नाम लिख पा रहे थे। मगर धीरे धीरे कंपाउंड्स ज्यादा आने लग गए, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर की जगह दो स्टीरियोजेनिक सेंटर, तीन स्टीरियोजेनिक सेंटर्स आने लग गए, तो वहां पे क्या हो गया, नाम लिखने में बहुत मुश्किल हो गई, जिसका एग्जाम्पल हमने टार्टरिक एसिड के केस में भी देखा था, है ना। टार्टरिक एसिड में भी हमने देखा कि टार्टरिक एसिड जिसका हमने स्ट्रक्चर कुछ यूं बनाया था, है ना, और हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ये पोजीशन के कारण ये दोनों के दोनों एसिमेट्रिक सेंटर्स में डी और एल नोमेनक्लेचर सिस्टम में अलग हो गया। देखिए अगर हम यहां से आगे बढ़ रहे थे तो हमने दूसरी पोजीशन को डी कहा था और तीसरी पोजीशन को एल कहा था, जबकि अगर हम यहां से देखते हैं तो सेकेंड वाला कार्बन जो है ये एल है और थर्ड वाला कार्बन डी है। ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, इस DL नोमेनक्लेचर सिस्टम में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इसका ये नाम सही माने या फिर इसका ये नाम सही माने। तो ये दोनों की दोनों बातें जो थी, ये जो एग्जांपल है इसकी एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी बच्चों, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और भी बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट थे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि जैसे जैसे एग्जाम्पल बढ़ते गए हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि हमारे को OH या NH2 वाले ही कंपाउंड मिले, हमारे को कुछ इस तरीके के भी कंपाउंड मिल सकते हैं, जैसे ये कंपाउंड हो गया। देखिए ये भी एसिमेट्रिक सेंटर है, इसमें भी जुड़ा हुआ जो चारों के चारों वैलेंसीज हैं वो अलग अलग है, मगर ना तो यहाँ पे OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ, है ना, तो हम यहाँ पे और NH2 है मगर हाइड्रोजन के साथ नहीं है। तो अब ऐसे केस में हम कैसे इसका नाम रिलेटिवली रख लें, ये तो बिल्कुल भी उनसे मैच नहीं करता, उन कन्वेंशनल अमीनो एसिड्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। या फिर मैं चलिए इसको हटा करके एक नाम इसका सी एन एच सी ओ ओ एच और सी एच ओ, फॉर एग्जाम्पल हमने ये कंपाउंड बना दिया। सेम प्रॉब्लम देखिए इसके साथ भी है, यहाँ पे भी हमारे पे ना एन एच टू है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स आए और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आने लगे, तो फिर डीएल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो हमारी पुरानी जो पद्धति थी नाम रखने की, वो पद्धति जो है यहाँ पे काम आती हुई नहीं दिखी, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग डीएल नोमेनक्लेचर यूज नहीं कर पाएंगे। और अगेन अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जहां पे एसिमेट्रिक कार्बन होगा वही ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, देखिए, है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जहां पे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने कहा कि जरूरी नहीं है कि एसिमेट्रिक सेंटर का मतलब ही ऑप्टिकल एक्टिविटी है। हाँ, इस तरीके के ज्यादातर कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, मगर कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन होने के बावजूद भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, या फिर ऐसे भी कंपाउंड है जहां पे कि ये एसिमेट्रिक सेंटर ना हो, जैसे कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी बहुत सारे हो सकते हैं जहां पे कि देखिए इस तरीके का एक अरेंजमेंट हमने इस तरीके का बनाया, और ये नाइट्रोजन जो है ये भी अपने आप में क्या है, एक एसिमेट्रिक सेंटर है। तो अगेन बात यहां पे आ गई कि अगर आप कार्बन को ही मान करके चलोगे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप और NH2 ग्रुप को ही मान के चलोगे, तो आपका जो फॉर्मूला था वो तो केवल कुछ ही एग्जांपल्स तक लिमिटेड हो जा रहा था, ठीक है ना। अब इन सब तरीकों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए साइंटिस्टों ने ये बात तो रियलाइज कर ली कि DL नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब एक कंप्लीट सोल्यूशन के बच्चों जरूरत थी, एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए था जो ऑलमोस्ट सब तरीके के आइसोमर्स को कंपाउंड्स को जो है डिस्कस कर सकता था, ठीक है ना। तो उस केस के लिए देखिए तकरीबन 1900 में ये डीएल नोमेनक्लेचर सिस्टम फिशर ने प्रपोज किया, ठीक है, 1900 में। मगर 1900 के बाद 20 साल तक ये रूल बिल्कुल चैलेंज नहीं हुआ, ये रूल बिल्कुल ऐसे चलता था कि इसी के हिसाब से नोमेनक्लेचर होता था,
ठीक है ना। मगर आगे आते आते धीरे धीरे जब हम ऊपर आगे बढ़े तो इसके लिए तीन साइंटिस्ट आए हैं। इन तीनों साइंटिस्टों का बच्चों नाम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन इनगोल्ड एंड प्रीलॉग। प्रीलॉग ये देखिए तीन साइंटिस्ट हैं, ये तीन जो साइंटिस्ट हैं, इन तीन साइंटिस्टों ने कैन इनगोल्ड और प्रीलॉग ने मिल करके तीनों ने ज्वाइंटली इस बात पे डिस्कस करके एक पूरा एक नोमेनक्लेचर सिस्टम मतलब सेट किया। और वो नोमेनक्लेचर सिस्टम जो था वो इस तरीके का रिलेटिव सिस्टम नहीं था, उसमें किसी चीज से रिलेशन नहीं निकाला हुआ था, बल्कि उसमें एक सेट फॉर्मूला बनाया गया था और उस सेट फॉर्मूले को फॉलो करके आप किसी कंपाउंड को नाम दे सकते थे, है ना। तो वो जो सिस्टम था वो सिस्टम जो था वो एब्सोल्यूट सिस्टम के नाम से जाना गया, एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। और डी और एल नाम की जगह, जैसे कि हमने पहले केस में डी और एल नाम लिखा, इसमें डी और एल नाम की जगह आर एंड एस नोमेनक्लेचर सिस्टम का नाम दिया गया। किसको दिया गया? आर एंड एस सिस्टम दिया गया इसको नाम। तो इसको एब्सोल्यूट सिस्टम फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स दे सकते हैं, नाम बोल सकते हैं, या फिर दूसरा नाम इसका बच्चों आर एंड एस नोमेनक्लेचर सिस्टम कह सकते हैं, या फिर एक और प्रचलित नाम है इसका, देखिए एक और प्रचलित नाम है इसका CIP रूल। CIP का मतलब कैन इनगोल्ड और प्रीलॉग, इन तीनों के नाम के ऊपर भी जो है इसको CIP नोमेनक्लेचर सिस्टम भी बच्चों कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मगर इसको शुरू करने से पहले मुझे एक छोटी सी बात से आप लोगों को डिस्कस कराने दीजिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसकी जरूरत रियलाइज करवाना चाह रहा हूँ। देखिए मैं आप लोगों को इसको मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें ऐसे किसी एब्सोल्यूट सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत कैसे पड़ गई, ठीक है। ये मैंने लास्ट भी कहीं एक लेक्चर में डिस्कस किया है बहुत पार्शियली, थोड़ा सा उसमें एक पोर्शन और है जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए आप, हम किसी कंपाउंड को OH या फिर ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, अभी तक आपने D और L नाम दिया था इनको। तो अब इस कंपाउंड को हम लिख ऐसे जरूर रहे बच्चों, मगर जब हम इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे, अब तक DL नोमेनक्लेचर सिस्टम में हम लोग देख रहे थे, अक्सर हम लोग कंपाउंड को ऐसे बना दे रहे थे, है ना, और इसको हम D कह दे रहे थे, हम इसको L कह दे रहे थे, है ना। इस D और L नोमेनक्लेचर सिस्टम में हम लोग एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लेकर के बच्चों आगे बढ़ रहे थे। देखिए ये जो डी और एल नोमेनक्लेचर था, देखिए ये तो रिलेटिव था, इस बात में तो हम डिस्कस कर चुके, मगर दूसरी जो इसमें प्रॉब्लम है, ये कंपाउंड को उस केस में डिस्कस कर रहा है जब कंपाउंड एक प्लेनर है, ठीक है ना। मैं आपके सामने जो कंपाउंड बना रहा हूँ वो एक प्लेनर कंपाउंड, एक प्लेन में बना रहा हूँ, टू डायमेंशनल प्लेन में बना रहा हूँ, जबकि एक कंपाउंड तो थ्री डायमेंशनल होता है, आपको पता है। एक मॉलिक्यूल ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा जैसे बोर्ड में बना रहे, वो तो ऐसा दिखेगा ना, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होंगी, मतलब वो तीन अलग अलग दिशाओं में फैल सकते हैं। तो जब हमने कंपाउंड का मॉडल ही, या एक मॉलिक्यूल का मॉडल ही टू डायमेंशनल लिया है और उसका स्ट्रक्चर ही टू डायमेंशनल लिया है, तो यहाँ पे हम ऐसे ही एग्जांपल दे सकते थे, ऐसे ही नोमेनक्लेचर दे सकते थे। तो डीएल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम था वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक था, दुरुस्त था, ठीक है ना। मगर चूंकि मॉलिक्यूल्स इतने सिंपल नहीं होते जितने सिंपल ये बोर्ड में बनाए जा रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल यहां पे पुट कर रहा हूं बच्चों, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये ए बी सी डी, इसको हम लोग वेज एंड सेड मॉडल कहते हैं। देखिए इसको वेज एंड शेड, शेड का मतलब होता है ये है शेड, देखिए सी वाला जो है ये शेड है और वेज वाला जो है ये बी वाला है। वेज, वेज का मतलब हो गया ये तो डार्क वैलेंसीज है, और ये जो सी वाली वैलेंसी है ये बिल्कुल लाइट वैलेंसी है, शेड टाइप की वैलेंसी है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दो वैलेंसीज आपको किसी दो प्लेन में दिख रही है, जैसे कि इस पेपर के प्लेन में दिख रही है, तो इनमें ये जो बची हुई दो वैलेंसीज है बच्चों बी और सी, इनमें से एक वैलेंसी अबव द प्लेन मतलब टूवर्ड द व्यूअर, देखने वाले की तरफ जैसे आपकी तरफ आ जाएगी, और ये जो सी वाली वैलेंसी है बच्चों ये पीछे की तरफ चली जाएगी, मतलब हिंडर्ड पोजीशन में चली जाएगी। तो मॉलिक्यूल एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ऐसा दिखाई पड़ेगा, थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जैसा कि हम लोग इसको ए बी सी डी बना देते हैं, ये इतना सिंपलर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा अगर इसका एक फॉर्म ऐसी होगी
तो ऑब्वियसली दूसरी फॉर्म इससे अलग होगी। देखिए दूसरी फॉर्म को देखिए, दूसरी फॉर्म कैसे होगी, दूसरी फॉर्म में ये जो दूसरी फॉर्म में बच्चों, दूसरी फॉर्म का कंस्ट्रक्शन बच्चों जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। देखें और ये उसकी दूसरी फॉर्म होगी, ए डी सी, ए डी बी सी, ये इसकी दूसरी फॉर्म होगी मॉलिक्यूल की, ठीक है ना। कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल का एक आइसोमर का स्ट्रक्चर अगर ये होगा तो दूसरे आइसोमर का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। और अगर अब आप जितनी भी जानकारी अभी तक ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में जानते हैं, अगर आप उनको इसके साथ मैच करने की कोशिश करेंगे तो अब आप देखेंगे कि वो सारी की सारी क्वालिटीज इस मॉडल से बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए पहली क्वालिटी कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। मिरर इमेज कैसे, ये दोनों तो बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे, ये जो टूवर्ड द व्यूअर था अब ये पीछे की तरफ चले जाएगा, ये पीछे चले जाएगा, ठीक है ना। और ये जो पीछे की तरफ दिख रहा था ये मिरर में आगे की तरफ दिखेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों मॉडल्स एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। ये दोनों जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं इसमें आप देख सकते हैं कि बी वाला ग्रुप जो कि आगे की तरफ है, ये बी वाला ग्रुप बिल्कुल उसके पीछे की तरफ है, ठीक है ना। इसी कारण इसको अगर इसके ऊपर मैं फिट करने की कोशिश करूं तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, क्योंकि ये तो आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ है। तो ये दूसरी क्वालिटी है जो कि इस केस में अगर आप देखो, अगर इस एग्जाम्पल को देखो, इस मॉडल के हिसाब से देखो तो ये कैसे वेरी कर रही है, आप इस वेज और शेड मॉडल से बच्चों बहुत क्लियरली समझ सकते हो। तो ये आर अब इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आने लगी, इस तरीके के जब मॉडल्स की बात करने लगे, ठीक है ना, तो इस तरीके के मॉडल को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे को डी एल नॉर्मल क्लेचर सिस्टम्स को इसमें फिट करना बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। अब हम बिल्कुल भी नहीं समझा पाएंगे कि कौन सा वाला ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है और कौन सा वाला ग्रुप राइट हैंड साइड में। अब मान लेते हैं ये कंपाउंड में एक ग्रुप हाइड्रोक्सिल हो, मान लेते हैं एक ग्रुप इसमें हाइड्रोक्सिल हो, OH हो, और मान लेते हैं दूसरा ग्रुप इसमें H हो। मान लेते हैं ये कंपाउंड बिल्कुल उसी तरीके का सिंपल कंपाउंड है जिसको कि हमने वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में लिया था, ग्लिसरलडिहाइड। मगर अब हम ये नहीं कह सकते कि ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में, ये डी मॉडल है या एल मॉडल है। तो इसलिए कंपाउंड की स्ट्रक्चर में कॉम्प्लिकेशन के कारण जो नई डेफिनेशंस थी अब उनका इंतजार हो रहा था, है ना। अब जो नई बिल्कुल नए कंपाउंड्स को, नए केसेस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई डेफिनेशन थी, उस सॉल्यूशन को देने के लिए ये जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम या फिर आरएस नॉमेनक्लेचर सिस्टम या फिर मैंने आपको इसका दूसरा नाम क्या बोला, सीआईपी रूल। सीआईपी रूल मतलब कैन इनगोल्ड प्रीलॉक का जो ये सिस्टम था ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। तो मैं आप लोगों को जिस ट्रिक से इसको नॉमेनक्लेचर सिस्टम को सिखाऊंगा बच्चों, उस ट्रिक को सीखने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा समय तक आपको याद रहेगी। तो इसको बिल्कुल एज इट इज याद करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। देखिए कैन इनगोल्ड प्रीलॉग ने कहा कि तीन स्टेप्स फॉलो करें और किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर लें, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, तीन स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या करना है, फर्स्ट केस में क्या करना है, आपने पहले तो कंपाउंड का नाम नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है असाइन प्रायोरिटीज टू द ग्रुप्स। जो भी ग्रुप्स किसी एसिमेट्रिक कार्बन एटम के अराउंड लगे हुए हैं उनको प्रायोरिटीज दीजिए, पहला पॉइंट बताया, ठीक है। कैसे दीजिए वो अभी डिस्कस होगा, ठीक है। पहला पॉइंट उन्होंने बोला आपको सबसे पहले इनको प्रायोरिटीज देनी है, ठीक है। इस प्रायोरिटी देने के बाद मान लेते हैं आपने इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 कह दिया, या इसको 4 नहीं कहते, इसको 4 और इसको 3 कह दिया। मान लीजिए आपने प्रायोरिटीज दे दी, कैसे देनी है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वही एक्चुअली मैटर ऑफ डिस्कशन रहेगा हमारा। आपने इनको प्रायोरिटीज दे दी, तो प्रायोरिटीज देने के बाद उन्होंने कहा अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इन ग्रुप्स को प्रायोरिटीज देने के बाद बच्चों किस
ये जो आपने प्रायोरिटीज दी हुई है ग्रुपों को, इनको ऐसे अरेंज करें कि ये घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में चले जाएं। देखिए अभी तो इसका क्रम देखिए कैसा है, 1 2 4 3, ठीक है ना। इस तरफ से देखेंगे तो 1 3 4 2, ये तो कहीं से भी क्रम में नहीं बैठ रहा। तो आपको इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, ये 1 2 3 4 हो जाए, या फिर ये 1 2 3 4 हो जाए, या फिर 1 2 3 4 कैसे भी हो जाए, मगर एक ऑर्डर फॉलो, ठीक है ना। हमको इसको एक ऑर्डर में लेकर के आना है। दूसरा पॉइंट हमारा बच्चों ये है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, थर्ड जो इसमें एक्सरसाइज आपने करनी है, उसको अरेंज करने के बाद देखना है, उसके अरेंज करने के बाद क्या करना है, उसे देखना है, देखना है कि, देखना है कि ग्रुप्स को इस तरीके से अरेंज करने के बाद हमारी आई किस तरीके से ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। आपको देखना है कि इसको घटते हुए और बढ़ते हुए क्रम में लगाने के बाद हमारी आई किस तरीके से ट्रेवल कर रही है। तो ये दो पॉसिबल केसेस हमने यहाँ पे देखे, या तो ये 1 2 3 4 ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे मतलब ऐसे, है ना। इसको क्या कहा था हमने लास्ट टाइम भी कहा था, क्लॉकवाइज सिस्टम, है ना। या तो फिर ये अरेंजमेंट इस तरीके से सेट होगा कि क्लॉक की तरह, क्लॉक के मूवमेंट की तरह हमारे को दिख रहा होगा, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। या फिर सिस्टम कैसा हो सकता है, 1 2 3 4 देखिए ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दो तरीके के सिस्टम आपको आखिरी में मिलेंगे अगर आपको कंपाउंड में क्लॉकवाइज सिस्टम मिलता है। ये इसको करस्पॉन्ड कर रहा है बच्चों, ये इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। अगर आपको क्लॉकवाइज तरीके से मूवमेंट मिलता है तो उस कंपाउंड को, उसको कहेंगे आप आर आइसोमर है। अब आप डी फॉर्म नहीं बोलेंगे, एल फॉर्म नहीं बोलेंगे, अब आप कहेंगे ये आर आइसोमर है। और अगर आप देखते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो आप उसका नाम देंगे एस। देखिए ये स्मॉल नहीं है, ये कैपिटल आर और कैपिटल एस है, तो कैपिटल आर और कैपिटल एस से उनके नाम से पहले आप ये लगा देंगे, ठीक है। क्विकली रिवाइज करें, इनको तीन स्टेप फॉलो करने के बाद इनका नाम रखा जाना है। पहले स्टेप में आपको प्रायोरिटीज देनी है ग्रुपों को, ग्रुपों को उनकी प्रायोरिटीज देनी है, ठीक है। दूसरा, प्रायोरिटी देने के बाद उन्हें घटते या बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। और तीसरे केस में उसको देखना है मॉलिक्यूल को कि भाई वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। और इसके बाद अगर क्लॉकवाइज है तो उसका नाम आर, और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका नाम एस दे देना है। तो बच्चों ये तो आपको मैंने अभी तक तीन स्टेप्स बताए। अब हमारे दिमाग में जो एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया होगा कि हमारे को प्रायोरिटीज देनी कैसे है, तो ये अगला पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करना है। देखिए मैं यहां से ये रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोगों ने अभी तक लिख दिया होगा अपनी कॉपी में। हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे असाइनिंग प्रायोरिटीज टू द ग्रुप्स। ये जो भी ग्रुप्स हैं इनको प्रायोरिटीज देनी है। और अगर ये पूछा जाए कि कैसे देनी है, तो उन्होंने कहा सीक्वेंस रूल के हिसाब से, ठीक है, सीक्वेंस रूल। तो आप लोगों को एक नया टर्म भी आया है, एक ऐसा रूल है जिसके जिसके ऊपर बेस्ड आपको प्रायोरिटीज डिसाइड करनी, असाइन करनी है। ऐसे पता चलेगा आपको कि कौन सा ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी में है, कौन सा सेकंड प्रायोरिटी में। तो सीक्वेंस रूल एक सेट ऑफ रूल है, छोटे छोटे रूल से बनकर के बना हुआ ये एक सीक्वेंस रूल है, जिसमें कि एक रूल जो है, जो सबसे पहला रूल है, देखिए इसमें चार छोटे छोटे रूल है, इसमें जो सबसे पहला रूल है वो कहता है कि प्रायोरिटी विल बी डिसाइडेड, प्रायोरिटी दी जाएगी पहले एटम के ऊपर, जो भी पहला एटम एसिमेट्रिक सेंटर से जुड़ा होगा उसके ऊपर प्रायोरिटीज दी जाएगी। तो मैं इसको पॉइंट को लिख रहा हूं, आप भी लिखेंगे, ठीक है ना। प्रायोरिटी विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एटम अटैच्ड टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ओके, कैसे दी जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एटम, जो फर्स्ट एटम होगा वो क्या चीज फॉलो करेगा, हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर का जो एटम होगा, जो पहला वाला एटम, ठीक है। इस रूल को देखिए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मैंने आपके सामने एग्जांपल्स प्रूव कर रहा हूं। देखिए अभी हम फिलहाल
अपने कंपाउंड्स को ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं जैसे टू डायमेंशनल है। बाद में मैं आपको कन्वर्ट करके बता दूंगा कि ये टू डायमेंशनल मॉलिक्यूल थ्री डायमेंशनल में कैसे और उसका नाम आर या एस कैसे पड़ा है बच्चों। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके बता रहा हूँ। देखिए ओ एच एच सी ओ ओ एच और एन एच टू, देखिए ये हमारे पास एक सबसे पहला कैटेगरी है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं एसिमेट्रिक सेंटर से चार वैलेंसीज हैं जो कि डिफरेंट है, मतलब ये एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो खैर हाइड्रोजन ही है इसलिए हाइड्रोजन की बात करेंगे। यहाँ पे पहला एटम ऑक्सीजन है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे दो एटम है मगर पहला एटम जो है वो ऑक्सीजन है। यहाँ पे जो पहला एटम है वो है नाइट्रोजन। ये ऐसे मॉलिक्यूल बना है एन एच टू और इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से जुड़ा है। ध्यान रखें NH2 में N जो है वो इससे जुड़ा हुआ पहला एटम है और यहाँ पे कार्बन है। जैसे कि आप जानते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये यहां से जाकर के इधर भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इन चारों की चारों वैलेंसीज में सबसे पहले क्या चीज चेक करेंगे कि पहला एटम किसमें कौन कौन है और जो सबसे ज्यादा एटमिक नंबर वाला होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे बिना किसी डाउट के। देखिए इन सब में सबसे आखिरी प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, इसको, क्योंकि ये सबसे कम एटॉमिक नंबर का है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर है एक। अच्छा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, अच्छा इसको फोर्थ प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ना, चार ग्रुप है तो फोर्थ प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर है एक। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14 है ना, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 6 है ना, 6, 7 और 8 वो उसका एटॉमिक वेट हो गया। तो इसका 6 जो है ये इससे बड़ा है ये और इससे बड़ा है ये, कहने का मतलब ये सबसे बड़ा है एटॉमिक नंबर के ऊपर देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला है। इसी तरीके से नाइट्रोजन जो है इसके बाद बड़ा है, कार्बन जो है इन दोनों से मगर इससे बड़ा है, इन दोनों से तो छोटा है मगर इससे बड़ा है। तो इस तरीके से हमारी प्रायोरिटीज दे दी जाएंगी। ठीक है, मैं इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा सिंपलर बना रहा हूं। देखिए अब मैं केवल प्रायोरिटीज को लिख रहा हूं 1, 4, 2, 3। इस तरीके से मैंने अपने मॉलिक्यूल को जो है ऐसे से ऐसे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, केवल प्रायोरिटीज दी। प्रायोरिटीज कैसे दी, पहले एटम को देखा और जो सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला था उसको मैंने पहली प्रायोरिटी दी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी। इस तरीके से मैंने चार प्रायोरिटीज देकर के बच्चों देखो कंपाउंड को ऐसा लिख दिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल अगर आप खुद से करना चाह रहे हो इसी कैटेगरी में तो आप लोग खुद से भी बच्चों देख सकते हो। देखिए ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने बना रहा हूँ, आप लोग खुद ही पहले इसको अपने से एक्सरसाइज करके देखें। सीएल OH CNBr, देखिए ये एक मीथेन है, इसमें क्लोरो ब्रोमो साइनो हाइड्रोक्सिल ये कंपाउंड है। तो इसमें पहला एटम कौन सा, देखिए क्लोरीन तो अपने आप में एक एटम है ना, ये तो पहला, इसमें ये है, इसमें पहला ये है, इसमें पहला ये है और इसमें पहला कार्बन है। ठीक है, तो इनमें से सबसे क्लोरीन ऑक्सीजन कार्बन और ब्रोमीन में से सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका होगा इनमें से, ऑब्वियस सी बात है ब्रोमीन का होगा। ब्रोमीन के बाद ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन, जिसका कि 17 होता है इसका होगा। इसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन को हाईएस्ट, इसके ऊपर हायर प्रायोरिटी मिलेगी और लीस्ट प्रायोरिटी क्या मिलेगी, सीएन को मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे केस कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी ये डीएल नॉमेनक्लेचर जैसा नहीं है कि अगर ये केस आ जाएगा तो हम फिर पूछने जाएंगे कि इसमें क्या करेंगे, है ना। इसमें आपको सिर्फ प्रायोरिटीज देनी है, रूल उन्होंने बता दिया पहले रूल के हिसाब से, जहां पे भी पहला एटम अलग अलग दिखेंगे, अलग अलग एटम के केस में आपको पहला एटम देखना है, उनकी एटमिक नंबर देखनी है और उनको प्रायोरिटी दे देनी, और कंपाउंड को चाहे तो आप थोड़ा सिंपलर रूप में लिख सकते हैं 3, 2, 1, 4, आप मॉलिक्यूल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं उसके तुरंत बाद, है ना। पहले प्रायोरिटीज देने के बाद आप इसको ऐसे लिख देंगे। मेरे ख्याल से आप इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। सल्फर आएगा कहीं पे तो सल्फर की ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन से ज्यादा प्रायोरिटीज हो जाएंगे आप देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लेंगे।
अभी मैं आपको बहुत सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस आखिरी में दूंगा, उन एक्सरसाइज क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आपको बिल्कुल इसमें एक्सपर्टीज मास्टरी हो जाएगी, आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। बच्चों ये तो मैंने पहला रूल बताया, अभी कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएगा। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर पहला एटम सेम है, ठीक है ना, मैं देखिए एग्जाम्पल बना रहा हूं, CH2OH, HOH, या फिर हाँ या फिर मैं इसको इसको आपको जाना पहचाना से एग्जाम्पल बना देते हैं। ये देखिए अगेन आपका लैक्टिक एसिड आ गया, जिसके आप वेट ही कर रहे थे, ये लैक्टिक एसिड देखिए यहाँ पे आ गया। लैक्टिक एसिड का अगर केस है तो यहाँ पे प्रायोरिटी देने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक पहला आइटम इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, इसका ये है पहला आइटम। ऑब्वियस सी बात है इन सब में सबसे कम जो है वो तो है हाइड्रोजन, ठीक है, सबसे कम प्रायोरिटी वाला तो है हाइड्रोजन और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है ऑक्सीजन। मगर इन दोनों वैलेंसीज में पहले पहला एटम जो है दोनों के केस में कार्बन है ना, तो यहाँ पे अब आपको प्रायोरिटी के लिए जो पहले रूल ने जो बोला था उसके हिसाब से तो आपके इन दोनों को ही फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, मतलब सेकंड प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, जबकि हमें इनमें से एक सेकंड प्रायोरिटी वाला ढूंढना है, एक थर्ड प्रायोरिटी वाला ढूंढना है, ठीक है ना। तो इस केस के लिए रूल नंबर टू इन्होंने कहा कि इफ फर्स्ट एटम इज सेम, अगर पहला एटम सेम है किसी दो वैलेंसी में या सारी वैलेंसीज में भी पहला एटम सेम है, लुक फॉर सेकंड एटम, सेकंड एटम। अगर आपका पहला एटम सेम है तो दूसरे एटम को ढूंढो, और अगर दूसरा भी सेम है तो फिर तीसरे को ढूंढो, मतलब आपको तब तक आगे बढ़ते जाना है सीरीज में जब तक कि वहां पे कोई डिफरेंस ना आ जाए, ठीक है ना। दो वैलेंसीज में तब तक आगे की तरफ मूव करते रहना है आपको डिफरेंस ढूंढने के लिए, जब तक कि आपको डिफरेंस पकड़ में नहीं आ जाता, ठीक है, तो सेकंड एटम की तरफ एंड सो ऑन। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आगे चेन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसको एग्जांपल से डिस्कस करें, फर्स्ट और फोर्थ प्रायोरिटीज दे दी जा चुकी है, सेकेंड और थर्ड प्रायोरिटी के लिए इन दोनों के बीच में मुकाबला है, ठीक है ना। इस मुकाबले में बच्चों क्या करना है, इस मुकाबले में पहला एटम तो दोनों का एक जैसा है, पहले वाले केस तो दोनों के बराबर बराबर है, मगर इसमें दूसरा एटम क्या है, हाइड्रोजन है, और इसमें दूसरा एटम क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की एटमिक नंबर ज्यादा है। कहने का मतलब इसको तो देखिए यहीं पे पकड़ में आ गया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं रही, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो हमने यहीं पे पकड़ लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे को, ठीक है। अब चाहो तो आप इसका सिंपलर मॉलिक्यूल बना दो, इन सब चीजों को हटा दो यहाँ से, इन सब चीजों को यहाँ से हटा दो बच्चों, और आप इसको सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दोगे SF मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तो एक अगला एग्जांपल हो गया, चलिए इसका एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं इस कैटेगरी का, ताकि आपको बिल्कुल ही कंफर्म हो जाए, हर पॉइंट कंफर्म हो जाए इसमें। इन OH और H को तो यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल लिया हमने CH3 और यहाँ पे लिया है हमने COH की जगह CH2OH, देखिए, ठीक है। अगेन प्रायोरिटी देते समय ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगी जैसे कि लास्ट केस में था। अब यहाँ पे पहला एटम, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, दोनों चीजें एक बराबर। यहाँ पे दूसरा एटम हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दूसरा एटम हाइड्रोजन, यहाँ पे तीसरा एटम हाइड्रोजन, यहाँ भी तीसरा एटम हाइड्रोजन, मगर यहाँ पे चौथा एटम भी हाइड्रोजन और यहाँ पे चौथा एटम ऑक्सीजन। देखिए COHH यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं, ये देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा बच्चों। ये पॉइंट देखो, पहले एटम तक तो हमने पकड़ लिया था, पहला एटम सेम, इसमें भी सेम, दूसरा भी सेम, इसमें भी सेम, तीसरा भी सेम, यहां भी सेम, चौथा एटम यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, जबकि इसके बाद हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो तो इसके बाद लगा हुआ है, मगर आपको चौथा एटम अगर जब देखना है तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस आपका आ गया। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि जो चौथा एटम आपने पकड़ा है वो इसमें जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, तो इसको दूसरा नंबर देंगे और इसको तीसरा नंबर देंगे। तो देखिए आपका मॉलिक्यूल जो है इतना कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल था, नाम रखते समय आपका जो है बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। आप इन सब चीजों को यहाँ से हटाएं और जो है इसका नाम जो है इस फैशन में ध्यान रखें, अब ये मॉलिक्यूल इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है ना। तो ये तो मतलब काफी सिंपल होता जा रहा है, आप देख रहे हो, आपको अगर रूल पता है तो आप इनको किसी भी तरीके के एग्जांपल पर सेट कर पा रहे हो। तो ये तो दो रूल अभी तक आए, ठीक है।
अब तीसरे रूल को बच्चों देखो, ये देखिए तीसरा रूल क्या है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स जो दे रहा हूँ, देखिए इसमें मैं बहुत कम कॉम्प्लिकेशन डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों का फोकस उस पॉइंट में हो जो पॉइंट हम लोग समझा रहे हैं। हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन दोनों मैंने कॉमन ही रखे हैं। यहाँ पे मैंने CH2OH जो लास्ट एग्जाम्पल पे लगाया था, चलिए हमने उसको भी सेम रख दिया, और यहाँ वाले एग्जाम्पल में हमने CHO डाल दिया। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में प्रायोरिटी कैसे देंगे, फोर्थ प्रायोरिटी इसको, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको। अभी सेकेंड और थर्ड प्रायोरिटी ध्यान में रखनी है, किसको दी जाएगी। देखिए पहला आइटम सेम, दूसरा आइटम सेम, तीसरा आइटम इसमें भी ऑक्सीजन और इसमें भी ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ तो तीनों के तीनों आइटम सेम उतर गए। यहाँ पे तो प्रायोरिटीज डिसाइड करने के लिए ऊपर के जो दो रूल थे वो काम नहीं आए, है ना। इसका मतलब अब यहाँ पे एक नेस्ट ट्रिक याद यूज करनी है हमें, ठीक है ना। नेस्ट ट्रिक कैसे यूज करनी है बच्चों, इसमें जो CH2OH देखिए उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और इस CHO को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये CHO को लिखने का तरीका है एल्डिहाइड ग्रुप को, और ये इस एल्कोहल को लिखने का तरीका है, तो ये इनको लिखने का तरीका है। अच्छा, इसमें पहला आइटम कार्बन था, इसमें भी कार्बन था, ये तो बात डन हो गई थी। इसमें दूसरा आइटम हाइड्रोजन था, इसमें भी दूसरा आइटम हाइड्रोजन था, ये भी बात डन हो गई। इसमें जो तीसरा आइटम है उसको हम ऑक्सीजन अगर कह रहे हैं तो यहाँ पे भी तीसरा आइटम ऑक्सीजन है, मगर अब इसमें चौथा आइटम कौन है, है ना, ये अलग केस हो गया, ये पिछले दो केसेस से बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गए। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में उन्होंने जो आंसर दिया, देखिए उसको, कि एक डबल बॉन्ड ऐसे ट्रीट होगा कि वो दो बार बंधा हुआ है, ठीक है। अ डबल बॉन्ड विल बी ट्रीटेड लाइक देयर आर टू बॉन्ड्स, मतलब ये एक डबल बॉन्ड ना होकर के ये दो बॉन्ड के बराबर है, ठीक है। तो अब अगर आपका तीसरा एटम सेम हो भी जाता है तो चौथा एटम इसमें ऑक्सीजन और चौथा एटम इसमें हाइड्रोजन आ गया, जो कि ये छोटा नंबर आ गया, ठीक है, ये ग्रुप छोटा आ गया और इस ग्रुप के कारण इसको प्रायोरिटी मिल गई, तो ये प्रायोरिटी जो है दूसरा नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसकी प्रायोरिटी बच्चों क्या हो जाएगी, सेकंड नंबर की हो जाएगी, और इसकी प्रायोरिटी थर्ड नंबर की हो जाएगी। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स को आप ऐसे केस में जहां पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहां पे आप कंपाउंड को प्रायोरिटीज जो होगी ऐसे देंगे, ठीक है। इस ग्रुप को भी मैं बहुत जल्दी से लिखवा रहा हूँ, इस केस को भी मैं जल्दी से लिखवा रहा हूँ, ये थर्ड नंबर का रूल आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल को आप लोग उतार लें, अगला एग्जाम्पल लिखवा देंगे इसके बाद। इसमें क्या कहा उन्होंने, इफ देयर इज डबल और ट्रिपल बॉन्ड इट विल बी ट्रीटेड लाइक टू और थ्री सिंगल बॉन्ड्स। ये बच्चों इसका समरी हो गई, ये जो मैंने आपको रूल नंबर थर्ड बताया, इस रूल नंबर थर्ड की समरी ये हो गई, ठीक है ना। मैं इसी चीज को नेक्स्ट एग्जांपल से करवा रहा हूँ, हर एंगल से करवा रहा हूँ, सो दैट कि कैसे भी एग्जांपल आपके पास आएंगे आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए ये अगला एग्जांपल आ गया, मैंने फिर वहीं पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम रख दिया, हाइड्रोजन सेम रख दिया, यहाँ पे सी एन और यहाँ पे सी एच टू एन एच टू, ये एग्जाम्पल मैंने लगा दिया, ठीक है। इसमें हम लोग जानते हैं कार्बन से ऊपर हाइड्रोजन है और कार्बन से नीचे, सॉरी, कार्बन से ऊपर ऑक्सीजन है और कार्बन से नीचे हाइड्रोजन है, तो इनकी प्रायोरिटीज जो होगी, इनकी प्रायोरिटीज वन और फोर जो है हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली हर केस में देते आ रहे हैं, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। इन दोनों में जब प्रायोरिटीज देनी है तो ये कार्बन जो है पहला एटम दोनों में सेम है, और अगर हम दूसरे एटम की तरफ जाएं तो यहाँ पे हम कहेंगे जी हमारा तो दूसरा एटम क्या है, नाइट्रोजन, जबकि यहाँ पे भी दूसरा एटम नाइट्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन भी है ऑल्दो, मगर नाइट्रोजन भी दूसरा ही एटम है। देखिए मैं इसको खोल के बता रहा हूं आपको, सी एन और ये एच टू ऐसे आ जाएगा, है ना, ये ग्रुप जो है ऐसे हो गया, जबकि ये वाला ग्रुप क्या हो गया, ये ऐसे हो गया साइड एंड। अब इसमें दूसरा एटम तक सेम था, मगर तीसरा एटम इसमें नाइट्रोजन है,
मतलब दूसरा एटम, सॉरी इसमें नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी दूसरा एटम नाइट्रोजन है, ये दूसरा ही तो है, तो यहाँ पे मगर तीसरा एटम जो है वो भी नाइट्रोजन है। इसके केस में दूसरा तीसरा और चौथा, दूसरे तीसरे और चौथे नंबर के एटम जो है वो नाइट्रोजन है, जबकि इसमें दूसरा अगर नाइट्रोजन है तो तीसरा हाइड्रोजन है और चौथा भी हाइड्रोजन है। तो इन केसेस में प्रायोरिटी इसको चले जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे प्रायोरिटी जो देंगी इसको मिल जाएगी। तो अगेन जब हम इसका नाम रखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड प्रायोरिटी इसको दे देंगे, तो थर्ड प्रायोरिटी बच्चों हम इसको दे देंगे, और वो कंपाउंड हो जाएगा इस तरीके से, कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है, ये कंपाउंड जो है इस तरीके से उसका नाम इस फैशन में हम उसको अरेंज कर पाएंगे, लिख पाएंगे, ठीक है। ये तीन रूल जो है मैक्सिमम बुक्स में ये तीन ही रूल मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो फोर्थ रूल है वो केस वाइज डेवलप होता है, वो मैं आगे आपको जब एग्जांपल दूंगा उसके ऊपर करवाऊंगा। मैं यहाँ पे आपको फोर्थ रूल रोक करके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको आपको एग्जाम्पल से बता सकता, ठीक है। आपको जहां पे भी बुक्स में मिलेंगे, कहीं पे भी बुक रेफर करेंगे, केवल ये तीन स्टैंडर्ड रूल्स मिलेंगे, क्योंकि चौथा रूल जो है जब केस आएगा तभी समझ में आता है, ठीक है। तो इसको करने के बाद ओके, अब तक आप लोगों ने सीक्वेंस रूल के अंदर प्रायोरिटीज देना सीखा, आपको पता चला कैसे ग्रुप्स को प्रायोरिटीज दी जाती है। अब एक बार अगर आप प्रायोरिटी दे दो, ठीक है, आप एक बार प्रायोरिटी दे दो इन तीनों रूल से, तो आपका स्टेप नंबर वन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आपने प्रायोरिटी देना सीख लिया। अब प्रायोरिटी देने के बाद स्टेप नंबर सेकेंड क्या था, सेकेंड स्टेप क्या था हमारा बच्चों, इसको अरेंज, क्या लिखा था, अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब आपको इनको अरेंज करना है। देखिए मेरी प्रायोरिटी देने के बाद ग्रुप क्या आया, 2, 3, 1, 4, हो सकता है वो ऐसा आया हो, 1, 2, 4, 3, कुछ भी आ सकता है ना। प्रायोरिटीज देने के बाद तो वो तो आप अपनी मर्जी से तो दे नहीं रहे, वो तो जैसे जैसा रूल बताता जा रहा है वैसे वैसे प्रायोरिटीज दी जा रही है ना। तो प्रायोरिटीज देने के बाद अब आपको जो सेकंड काम करना है, इनको घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो देखिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने करके बता रहा हूँ, फिर आपको इसको खुद से अरेंज करना है। यहाँ पे जब आपके पास ऐसे में कंपाउंड कन्वर्ट हो जाए, जब आपका कंपाउंड ऐसे में कन्वर्ट हो जाए, तो जो पहली बात आप लोग ध्यान रखें, ठीक है, ये एक ऐसी ट्रिक्स है जो कि बुक्स में नहीं रहती, ये आप लोगों को इजी सिंपल तरीके से सीखने के लिए डेवलप की गई है, हमारी लैब में डेवलप की गई है। तो मैं इसको आपको बताता हूँ, आपको फोर्थ वाली वैलेंसी को नीचे लेके आना है हमेशा, आपको फोर्थ वाली वैलेंसी को हमेशा नीचे लेकर के आना है, ठीक है। और उसकी जगह कौन चली जाएगा, अगर फोर्थ वाला एक की जगह आया तो एक कहाँ चले जाएगा, फोर्थ वाले की जगह आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सिंपल करने का तरीका है, ठीक है, फोर्थ वाला नीचे आ गया और वन जो है फोर की जगह चले गया, मगर इससे मॉलिक्यूल आधा घूमा है, ठीक है, इससे मॉलिक्यूल बच्चों आधा घूमा है। अगर आधा मॉलिक्यूल घूमा तो उसकी तो ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, इसलिए मॉलिक्यूल को आधा और घुमाना है, ठीक है। थर्ड को सेकंड की जगह और सेकंड को थर्ड की जगह, मतलब मॉलिक्यूल को पूरा रोटेशन कर दिया, तो सेम मॉलिक्यूल वापस आपके हाथ में आ गया। देखिए ये मॉलिक्यूल जो है आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये तो आधा मॉलिक्यूल चेंज हो गया, ठीक है ना, मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया, मतलब ये तो अगर डी फॉर्म थी तो ये एल फॉर्म हो गई, आर फॉर्म थी तो एस फॉर्म हो गई, मगर आप टोटल ही मॉलिक्यूल को चेंज कर दोगे, कहने का मतलब इसको ऐसे घुमा करके पूरा एक चक्कर घुमा दोगे, तो तब जाकर के आपका मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये दोनों की दोनों फॉर्म जो है एक ही बात के लिए, बिल्कुल एक ही बात है, ये दोनों की दोनों चीजें एक ही बात है। अगर मैं केवल एक ही तरफ ग्रुप को चेंज करूंगा तो तब ये आधा चेंज होगा, ठीक है, मैंने दोनों तरफ ग्रुप को चेंज करके पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को चेंज कर लिया, तो आपका ये जो मॉलिक्यूल है ये अब ये बन जाएगा, ठीक है। और अब इसके बाद आप इस फोर्थ ग्रुप को छोड़ देंगे, फोर्थ ग्रुप को ध्यान में नहीं रखेंगे, फोर्थ ग्रुप का सिर्फ एक ही रोल था कि उसको सबसे नीचे लेके आना था, आपने नीचे ला दिया, अब उसको भूल जाओ, फोर्थ ग्रुप कहाँ है वो चले गया। सोचो कि ये आपकी कार की एक स्टेयरिंग है, सोचो कि आपकी एक कार की स्टेयरिंग है जिसका जो फोर्थ ग्रुप है वो नीचे का डंडा है जिसमें वो टिकी हुई है ना, तो वो फोर्थ ग्रुप को तो अब आप भूल जाओ। अब जो बचे हैं आपके तीन ग्रुप बचे हैं, फोर्थ ग्रुप अगर चले गया तो तीन ग्रुप कौन से बचे हैं, 1, 3 मान लो ये है, 2 ये है ना। अब आप देखो कि आप किस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं आपके आई, देखिए हम कैसे देखेंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 1, 2, 3, क्या कहा, ऐसे ऐसे, कैसे ऐसे है ना। तो थर्ड जो स्टेप है बच्चों उसको भी साथ साथ लिख देता हूं मैं, अरेंजमेंट के तुरंत बाद लिख देता हूं। आपने व्यू किया, व्यू मतलब आपने देखा
और देख के आपने पाया कि आपकी जो आंखें ट्रेवल कर रही हैं वो एंटी क्लॉकवाइज कर रही हैं, तो जहां एंटी क्लॉकवाइज वहां क्या एस, वहां क्या है कंपाउंड का नाम एस। अब इसका जो भी नाम था, इसके जो भी आईयूपीएसी नाम था, आपने उस आईयूपीएसी नेम से पहले एस लगा दिया, ठीक है ना, एस लगा दिया तो वो कंपाउंड इस फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो ये बच्चों इस तरीके से बहुत सिंपल तरीका मैंने आप लोगों को डेवलप किया, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स इसके साथ और करवाऊंगा, एक दो केसेस स्पेशल टाइप के भी कराऊंगा, सो दैट कि आपको तकरीबन सारे केसेस समझ में आ गए, आप आर और एस नॉमिनेटिव सिस्टम को बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे।